तने जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? चले ठीक हो गया, बेस्ट हो गया। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी हम। वेलकम टू द क्लास, पहली हमारी क्लास है फॉर्मली, ठीक है। तो हमने जी स्टार्ट लेना है अपना पेपर वन से, और पेपर वन के भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से, ठीक है। लेकिन पूरे पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास वेस्टर्न थॉट है, इस्लामिक थॉट है, ठीक है। फिर पेपर वन के कुछ आइडियोलॉजीज हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर पेपर टू में हमने कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ हिस्सा हमारा आईआर का है, कुछ हिस्सा हमारा फॉरेन पॉलिसी का है, और कुछ हिस्सा हमारा मुस्लिम नेशनलिज्म का है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग अपने माइंड में ये बात रख लीजिए कि जितना भी सिलेबस एफपीएससी ने डिजाइन किया हुआ है ना, ये अगर आप 4 इयर्स डिग्री करेंगे ना बीएस पॉलिटिकल साइंस की, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सूबे से, या आप एमए पॉलिटिकल साइंस करेंगे, एमएस पॉलिटिकल साइंस करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये सारा सिलेबस जो है ये इस तरह से मौजूद नहीं है। ये कैसे मौजूद है? इसके बने हुए हैं पेपर्स। मसलन एक पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एक पेपर है इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट, एक पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक पेपर है वर्ल्ड गवर्नमेंट्स या वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, एक पेपर है फॉरेन पॉलिसी का, एक पेपर है पाकिस्तान अफेयर। तो इस तरह करके ये तकरीबन कितने बनते हैं? 8 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं। उनको उस सारे सिलेबस को अगर हम क्या कर दें, मर्ज कर दें, तो फिर बनता है हमारा पेपर वन और पेपर टू, सही। तो इसलिए फिर आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि जो पोर्शन भी स्टार्ट हुआ करेगा, चाहे हम फिलॉसफी का पोर्शन करें, चाहे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पोर्शन शुरू करें, आपकी पहली जो क्लास होनी करनी है किसी भी पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले, वो इस बात पर नहीं होनी कि स्ट्रेट वे प्लेटो स्टार्ट कर लिए, वो इस बात पर होनी है कि पहले उस पेपर की, उस थॉट की, उस एरिया की जो अपनी क्या है, स्पेशलिटी है, उसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है। भले आपका बैकग्राउंड नहीं है, बट कॉमन सेंस ये कहती है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थॉट में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो फर्क होना चाहिए। इसका मतलब है उनको तैयार करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में भी फिर क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो ये इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग जो है वो बिफोर वी जंप टू द मेन टॉपिक के जी प्लेटो पढ़े, एरिस्टोटल पढ़े, मैकेवली पढ़े, हम पहले जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस में 200 के मार्क्स में क्या देंगे, हेल्प करेंगे, उन्हीं के ऊपर हम पढ़ते हैं, ताकि जो आपका एक डिसएडवांटेज होता है ना कि आपका बैकग्राउंड नहीं है, वो डिसएडवांटेज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और उसकी जगह पर आप सारे लोग जब सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो वो किस पर करें, एक इक्वल फुटिंग पर करें, ताकि किसी बंदे को ये ना लगे कि यार मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो मैं पीछे रह गया, और मेरा बैकग्राउंड था तो मैं आगे चला गया। तो ये इस चीज के लिए, दैट इज व्हाई आई कॉल दीज इनिशियल क्लासेस 2 और 3 क्लासेस एज फाउंडेशनल क्लासेस, ठीक है। मेरे बेनिफिट से ज्यादा ये किसका बेनिफिट है? ये आप लोगों का बेनिफिट है, बिकॉज मेरा बेनिफिट ये है कि मैं जल्दी से सेशन स्टार्ट करूं और जल्दी से उसको क्या कर दूं, खत्म कर दूं। और आपका बेनिफिट क्या है कि सेशन जब खत्म हो ना, तो वो सब्जेक्ट का रटा ना लगाओ, आप खुद से भी पूछें, किसी और से बात करें, तो आपको लगे कि मुझे अब इस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्या है, कंसेप्चुअल कमांड है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ये ना हो कि आप बस जैसे आए हैं बिल्कुल उसी तरह ही नोट्स निकाल के कोई 25-30 पेजेस पे और हेडिंग्स इकट्ठी करके तो यहां से चले जाएं। दैट इज नॉट समथिंग जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। उसका मैंने सोल्यूशन बता दिया था कि अगर हमने वही करना है तो उसके लिए 2 माह लगाना, पैसे लगाना कोई जरूरत नहीं है। 500-700 की मार्केट से कोई भी किताब मिलती है, उसमें दोनों पेपर्स का जो सिलेबस है वो क्या है, कवर हुआ हुआ, तो आप फिर स्ट्रेट अवे वहां से ही कर लें। देर हैज टू बी सम डिफरेंस फ्रॉम स्टडिंग अ पर्सन, ठीक है, हु हैपेंस टू बी द यू नो, एक जिसका एक एरिया है, स्पेशलाइजेशन है, और एक वो अप्रोच है जो आप खुद से करते हो, जिसको सेल्फ गाइडेंस कहते हैं, या जो आप लोग अपने गली मोहल्ले से, अपने हॉस्टल से, अपनी सराउंडिंग में से जो गाइडलाइन आप बोरो करते हो, या तो फिर वो चलेगी। क्लियर होगी बात? तो आज की जो हमारी क्लास है ये इसी तरह ही चलेगी, और इसका नाम है जी फाउंडेशनल क्लास। और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम भी हम 2 या 3 क्लासेस अपनी जो है वो इस बात पर लगाएं, और ये चीजें, कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ाऊंगा,
ये फिर एक महीने बाद भी रिमाइंड कराऊंगा कि ये कब पढ़ा था, पहले दिन पढ़ा था, क्योंकि इसका मकसद है कि ये चीजें इस तरह की हैं कि ये आपको हेल्प करेंगी आगे भी, पूरे 2 माह जो है आपको असिस्टेंस मिलती रहेगी। डानों की जी बात। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा यहां पर इशू है, जो डिस्कशन है, वो स्टार्ट होगी पहले एक वर्ड से कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि हमने इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट, इन तीनों की स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। जो इसकी किताबी डेफिनेशन है वो भी लिख ले कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट्स, जो सिंपल डेफिनेशन है ना पोल साइंस की, वो यही है। बाकी सारी बात है फिर अकॉर्डिंग टू फलां, अकॉर्डिंग टू फलां, वो तो एक लंबी बात हो जाएगी, उधर हमने अभी जाना नहीं है। वो पूरे 2 माह पढ़े अकॉर्डिंग टू फलां, इतनी दफा हो जाएगा ना कि वो फिर आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। एनीवेज, तो पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी है? गवर्नमेंट्स और स्टेट्स की। लेकिन जो बंदा आपको पढ़ा रहा है ना, वो आपको ये कह रहा है कि इस फिक्रे को ही समझने के लिए, स्टेट को समझने के लिए आपको किसको समझना चाहिए? सोसाइटी को। और सोसाइटी को समझने के लिए आपको किसको समझना चाहिए? इंडिविजुअल को। तो इसका मतलब है आज से हमारी जो डेफिनेशन है वो ये नहीं है। हमारी डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट। ठीक है, और हमारी बात हो चुकी है कि इंडिविजुअल कौन है? मैं हूं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, और हम सब अपनी इंफरादी हैसियत में कौन है? इंडिविजुअल है। दूसरी बात, इंडिविजुअल्स जब इकट्ठे रहना शुरू करते हैं ग्रुप की सूरत में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो वो क्या बन जाता है? सोसाइटी बन जाती है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए कि टू और मोर इंडिविजुअल्स लिविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड सोसाइटी। ठीक, क्लियर हो गई जी बात। इंडिविजुअल कौन है? मैं हूं, आप हैं। तो मेरी स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं। जब हम इकट्ठे एज अ ग्रुप बन जाएंगे, एक सोसाइटी बन जाएंगे, तो हम सबकी कलेक्टिव स्टडी को भी क्या कहेंगे? पॉलिटिकल साइंस कहेंगे। और तीसरा वर्ड है स्टेट का। लेकिन ये समझाने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात करनी है, और वो ये है कि आप लोग जिस मर्जी बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन आप सोसाइटी से बाहर नहीं आए। आप कहां से आ रहे हो? सोसाइटी से आ रहे। तो आप मुझे बताइए किस नोयत के काम है जो करते रहे हैं आप, अभी भी आप करते हैं व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और उसके लिए किताब का जवाब नहीं चाहिए, जो जो आप करते हैं। सही है? तो मेरा ख्याल है हर बंदा जो है वो एक दिन में, एक साल में, एक 6 माह में, एक 10 साल में को 1000 किस्म की एक्टिविटीज क्या करता है? परफॉर्म करता है। मसलन हम एक दूसरे से कोऑपरेशन भी करते हैं सोसाइटी में, लेना देना भी करते हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं मुआशरे में, हम एक दूसरे की जमीन पे भी कब्जा कर लेते हैं, हम मुआशरे में लोगों से ताल्लुकात भी बनाते हैं, हम मुआशरे में क्राइम भी करते हैं, हम मुआशरे में अच्छाई भी करते हैं। तो 1000 तरह हम कमाने भी निकलते हैं, हम सियासत भी करते हैं, हमारा कोई वैल्यूज भी है, हमारी कोई नॉर्म्स भी है। तो ये तमाम चीजें सोसाइटी में हम कर रहे होते हैं। इमेजिन कि ये 22 करोड़ लोग जो हैं, 25 करोड़ लोग जो, 250 मिलियन पीपल, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल ले रहा हूं, अगर ये आपस में रोज कितनी नोयत की ट्रांजैक्शंस करते, लाखों करोड़ों नोयत की ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर इनके दरमियान कोई रेगुलेटरी बॉडी ना हो, इनके दरमियान इनकी इन एक्टिविटीज को कोई बंदा भी मैनेज करने वाला ना हो, कोई थर्ड पार्टी ना हो, तो फिर ये क्या करेंगे? तो इसका आसान जवाब, स्कूल से शुरू करते हैं। ठीक है ना, स्कूल से शुरू करते हैं। जब उस्ताद साहब आपको बैटरिक में कह के जाते थे कि मैं जरा आ रहा हूं, और आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 मेरे आने तक क्या करना है? रिवाइज करना है। तो आप सबको पता है कि हम चैप्टर नंबर 6 रिवाइज नहीं करते थे, बल्कि उस्ताद साहब अभी एक कदम उनका क्लास के अंदर होता था और एक क्लास के बाहर होता था, और पीछे एक वर्ड सुनने को मिलता था, हंगामा। पीछे क्या हो जाता है? हंगामा हो जाता है। इसका मतलब है अगर 10, 20, 25 लोग इकट्ठे रहते हो
और उनके दरमियान उनको कोई गवर्न करने वाला ना हो तो इसका मतलब है ज्यादा चांसेस क्या हैं कि उनके दरमियान फड्डा होने के इम्कान ज्यादा है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल स्टेडियम के बाहर मिलती है, ठीक है, वहां लिखा होता है कि ये रास्ता है, आपने लाइन में लग के क्या करना है, अंदर जाना है। लेकिन आप सबको पता है कि 10-15 मिनट के बाद जब ऐलान हो जाते हैं कि लाइन में लगिए, वो फिर भी हम लाइन में नहीं लगते। उसके बाद एक खास किस्म का यूनिफॉर्म है वो हमें नजर आता है, और उस खास किस्म के यूनिफॉर्म वाले बंदे के हाथ में भी एक खास किस्म का टूल होता है। जब हमें दूर से वो नजर आता है तो अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि वो जो क्राउड होता है, बिखरा हुआ क्राउड होता है, वो अचानक से क्या होना शुरू हो जाता है, वो लाइन में लगना शुरू हो जाता है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब है एक एक 15-20-25-50 लोगों को इकट्ठा चलाने के लिए हमें उनके दरमियान किसकी जरूरत पड़ सकती है, एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ सकती है जो उनके मामलात को क्या रखे, बैलेंस रखे, ऑर्गेनाइज रखे, उसको उनको उनके दरमियान रेगुलेशन कराए, ठीक है। और इसकी तीसरी एग्जाम्पल एक तो हो गई स्कूल से और एक हो गई स्टेडियम से, अब तीसरी एग्जाम्पल के लिए सोचिए पाकिस्तान, 250 मिलियन पीपल, ठीक। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची है, ये प्रॉपर्टी आपको दे दी, उसके बदले में आपने मुझे 2 मिलियन 3 मिलियन जो भी था वो दे दिया। 2 दिन बाद वो बंदा कहता है कि आपने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है पहले नंबर पे, और दूसरा आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि आपने मुझे पैसे दिए या मुझसे पैसे लिए? तो अब इसका क्या करेंगे हम, अगर स्टेट नहीं है, अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, दो लोगों की माउथ टू माउथ बात हुई है, ठीक है, फेस टू फेस बात हुई है, गवाह भी कोई नहीं है, अब उनमें से किसकी बात को मानेंगे और किसकी बात को नहीं मानेंगे? तो 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कि वो लड़ पड़ेंगे, है? जो ताकतवर होगा वो अपनी बात को मनवा लेगा। तो ये सिर्फ 2 ही लोग हैं कि 250 मिलियन है। सोचो अगर ये रोज आपस में इन्हीं बातों के ऊपर क्या करना शुरू कर दें, सही और गलत का फैसला खुद करने लग जाएं, तो फिर शाम तक मुआशरे में क्या हो चुका हो, मुआशरे में तो आग लग चुकी होगी। इसलिए फिर जरूरत किसकी पड़ी कि कोई तीसरी पार्टी हो जिसके पास ये दोनों जाया करें, एक वहां पर कहे मैं होशो हवास में ये गवाही देता हूं या मैं ये कहता हूं कि ये जायदाद किसके नाम लगा दी जाए, इस बंदे के नाम लगा दी जाए, और वो बंदा कहता है मैं होशो हवास में इतने पैसे इस बंदे को दे रहा हूं, एक तीसरी पार्टी बैठी हो जो उन दोनों की बातों को एक ऑफिशियल कागज के ऊपर क्या करे, लिख दे और उसकी कॉपी करा के उसको भी दे दे और उसको भी दे दे और एक कॉपी अपने पास रख ले। आपको समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन आइडिया इन योर माइंड के मुआशरे को चलाने के लिए, मुआशरा खुद ब खुद नहीं चल सकता, खुद ब खुद चल सकता होता तो स्कूल के बच्चे खुद ब खुद चुप रह के चैप्टर नंबर 6 रिवाइज करते। अगर हम खुद ब खुद कर सकते होते तो स्टेडियम के बाहर लगी हुई लंबी लाइन जो है वो अपनी एक कतार में खड़ी होती, और अगर खुद से कर सकते तो फिर इन दोनों के दरमियान झगड़ा भी ना होता। तो मुआशरा, 4-5 वर्ड बोलने लगा हूं, ये नोट भी करने और दिमाग में ज्यादा नोट करने हैं, मुआशरा अपने आप को मैनेज करने के लिए, मुआशरा अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, मुआशरा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, मुआशरा अपने सारे मामलात की अच्छी बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए क्या करता है, एक तीसरी चीज की जरूरत के पीछे चल पड़ता है कि कोई थर्ड पार्टी आए और वो आके तो हम सब के जो बाहमी मामलात हैं उनके दरमियान न्यूट्रल अंपायर का क्या करे, किरदार अदा करे। ये रेफरी है, ये अंपायर है जो लोगों को बता रहा है कि गलत क्या है और सही क्या है, और सिर्फ बता नहीं रहा, इसके पास एक और भी चीज है, ये डंडे के जोर पर वो ही चीज को फोर्स भी करवा सकता। इधर मैं आपको कोई सजा देता हूं ना कि जी आप क्लास कल नहीं आएंगे, तो आप डिफाई भी कर सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो आऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको अदालत कह देना कि सर आपको 3 साल कैद होगी, आपने ये जुर्म किया, तो आगे से आप जज को अगर ये कहेंगे ना मैं नहीं मानता, वो इस चक्कर में 1.5 साल सजा और दे देगा, ठीक है। आप कहोगे उसको तुम मेरा क्या कर लोगे, 7-4 पुलिस वाले खड़े होंगे, ओके पकड़ो इसको,
डालो जाके इसको कहां पे, जेल में। तो जितना मर्जी वो बंदा चीख ले चिल्ला ले, अब उसके ऊपर उस चीज का अमल दरामद होने ही होने। स्टूडेंट्स, ये जो बॉडी मैं बता रहा हूं आपको, जिसने ऑर्गेनाइजेशन करनी है, मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, जिसने रेगुलेशन करानी है, जिसने ये दरमियान में न्यूट्रल पार्टी का किरदार अदा करना है, उस पार्टी को कहते हैं स्टेट। मुझे स्टेट वर्ड की डेफिनेशन से गर्ज नहीं है कि आपको आती है या नहीं आती। हम यहां डिस्कस क्या कर रहे हैं, नेसेसिटी ऑफ द स्टेट। क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेसेसिटी ऑफ, आगे राइट, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ द स्टेट, के स्टेट जरूरी क्यों है। अभी वो क्या है प्रॉपर, उसका स्ट्रक्चर क्या, उधर हम नहीं जा रहे। अब आपका अगला सवाल ये भी हो सकता है कि वो ये सारा काम किस चीज के थ्रू कराएगी, तो इधर मैं अभी नहीं गया। पहले तो ये कि मुआशरे के अंदर क्या पैदा हुई, जरूरत पैदा हुई, नेसेसिटी क्रिएट हुई कि मुआशरे में किसी चीज का मसला है तो उसके लिए हमें किसकी चाहिए, स्टेट की जरूरत है। क्लियर हो गई बात। तो स्टेट कहां से बनी है और सोसाइटी कहां से बनी है, दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई स्टार्ट माय सेशन आई स्टार्ट फ्रॉम दिस वन वर्ड के पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। ये तीनों एक दूसरे के आइसोलेशन में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इन तीनों को इकट्ठा जेन में रख के पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें फिर आपको समझ भी आया करेंगे। दोनों की बात, इंडिविजुअल्स ने मिलके क्या बनाया, सोसाइटी, और सोसाइटी ने अपनी मैनेजमेंट के लिए किसको रख लिया, स्टेट को रख लिया। ठीक, चले मैं यहां पर ना मुख्तसर सा एक आंसर दे देता हूं कि स्टेट ये सारा कुछ करती किसके थ्रू है ना। ठीक है, तो लिख लीजिए, स्टेट के पास फोर्स होती है, फौज होती है जी, आर्मी होती है, पुलिस होती है, रेंजर्स होती है। तो ये समझे कि पुलिस अपना स्टेट का डंडे वाला ऑर्गन है, जिनके पास कैपेसिटी है जोर के बुनियाद पर भी क्या कर देना, चीजों को इन्फोर्स करा देना। कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज है, इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है, जी क्लियर होगी बात। तो स्टेट ये सारी जिम्मेदारी कराती किसके थ्रू है, लॉज के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, फोर्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। सही हो गया। तो ये रिलेशन एक समझ आ गया हमें कि इंडिविजुअल ने मिलके क्या बनाया, सोसाइटी, और सोसाइटी को जरूरत है किसकी, स्टेट। क्लियर होगी बात। तो ये है आज का हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, के व्हाट इज द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। डालो की बात, अब चलते हैं, इसको मैं कह देता हूं कॉन्सेप्ट नंबर वन। अब चलते हैं दूसरी तरफ। स्टूडेंट्स, आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो जब पहली क्लास ओरिएंटेशन लेते हैं तो जारी बात है हमारे यहां एक जनरली स्टूडेंट के माइंड में होता है कि टीचर ने अब कोई भी जो बात करनी है वो मुझे क्या करने के लिए करनी है, यू नो, थोड़ा इंप्रेस करने के लिए करनी है कि वाह जी वाह क्या बात है, अब मेरा सेशन जो है वो ज्वाइन। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैव ऑलरेडी यू नो एनरोल्ड एंड रजिस्टर्ड, तो अब हम बात करेंगे खुल के। खुल के से क्या मुराद है कि अब जो भी बात होगी ना वो जेन्युइन बात भी है और साथ साथ वो आपकी सियासत, पॉलिटिकल साइंस जो है उसका क्या है, पार्ट है। अब मैं आपको थोड़ा फर्क समझाना चाहता हूं। आप में से कोई ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड से मुराद जो पुराने बच्चे जिनकी एक एक अटेम्प्ट हो चुकी हो या जिन्होंने कभी पहले भी पोल साइंस पढ़ा हो, ये बात उनको ज्यादा समझ आएगी, बाकी बच्चों को समझाने के लिए ही मैं ये कोशिश भी करने लगा। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम, इकबाल, खुलदून, ये सब पढ़ लिया हमने। 99% स्टूडेंट हैं वो आपको ये कहेंगे कि मैंने प्लेटो तैयार कर लिया है, वो कोई कहेगा मैंने एरिस्टोटल तैयार कर लिया, कोई कहेगा मैंने मैकियावेली तैयार कर लिया। ठीक, तो करेंगे तो हम भी ये ऐसे ही एक एक को करेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज है ना जो स्टूडेंट को समझनी है, उसके बगैर ये सारे भी कर लोगे ना तो मेरी नजर में, या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो व्हाट आई थिंक व्हाट एक्चुअली इज द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, आप उसमें फिर क्या है, जीरो है, क्योंकि फिर आपको उसका कॉन्सेप्ट कोई नहीं पता। ठीक है, और सिर्फ आप क्या रट के बैठे, और एक फिलोसफर की क्या रट के बैठे आप,
हेडिंग्स रट के, तो ये नहीं करना है हम। अब ये सारी बात है क्या, मेरा आपसे पहला सवाल, ये 15-20 जो फिलोसफर्स दिए हुए इन सब के दरमियान ढूंढने के व्हाट इज द कॉमन थिंग, इन सब में कॉमन क्या होगा, सोचे वैसे ही तुक्का लगाएं, इन सब ने थेरीज देनी है कि नहीं देनी, इनकी थेरीज किसके मुतालिक होंगी। ऑफ कोर्स पॉल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट, तो इनकी जो थेरीज होंगी वो किसके मुतालिक होंगी, तो एक चीज तो कॉमन हो गई कि ये सब ने अपना अपना जो भी थेरीज पेश करनी वो थेरीज किसके रेलिवेंट होंगी, स्टेट के रेलिवेंट होंगी। क्या सबकी थेरीज एक जैसी होंगी या एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, डिफरेंट होनी, अब ये पढ़ी नहीं है ना, कॉमन सेंस अप्लाई के डिफरेंट होनी चाहिए, इसका मतलब है डिफरेंस किन बातों पर क्रिएट होता है, जहां पर एक से ज्यादा राय की गुंजाइश हो वहीं पर डिफरेंस क्रिएट होगा ना, जब हम सारे एग्री कर जाएं कि ये सामने वाइट है तो देयर इज नो रूम फॉर डिबेट, लेकिन जब एक बंदा कहे नहीं ये वाइट है, दूसरा कहे नहीं ये ऑफ वाइट है, तीसरा कहे नहीं ये फिर बहस होगी। तो ये सारे फिलोसफर अगर एक ही जैसे होते तो फिर तो इनके नाम भी हम एक ही जगह पर इकट्ठा करके क्या कर लेते, पढ़ लेते, लेकिन जब ये आए भी मुख्तलिफ दौर में है और इनकी थेरीज भी एक दूसरे से क्या है, तो फिर इसका मतलब है इन सब का आइडिया ऑफ स्टेट भी एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो बस एक सिंगल सेंटेंस में लिख लीजिए, ज्यादा ये कोई इस पे जोर नहीं देना, और वो ये है कि जितनी भी वेस्टर्न या इस्लामिक फिलॉसफी है दोनों, उनका सोली होली एम क्या है, टू प्रेजेंट डिफरेंट थेरीज एंड मॉडल्स ऑफ स्टेट। जी बात समझ आ रही, टू प्रेजेंट, रटा नहीं ऐसे एक वर्ड लिख लें, ठीक है, ये कौन सा कोई मतलब कोई सैफ है, ठीक है, ये तो हमने खुद ही बनाई है, क्या ख्याल है, समझ आ रही है? जितने भी फिलोसफर्स हैं उन सब की थ्योरी है क्या, डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, डिफरेंट एंगल्स ऑन द स्टेट, कि स्टेट क्या होती है, क्यों होनी चाहिए, जानो की बात, ये भी असल बात नहीं है। असल बात जो है ना वो ये है कि स्टेट आई क्यों, बताइएगा जी, अभी पढ़ा है हमने दो मिनट पहले, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, इसका मतलब है मैनेज करने और ऑर्गेनाइज करने के भी तरीकों में फिर क्या होगा। भाई एक बंदा आप में से, अभी मैं कहता हूँ क्लास का इंचार्ज है, वो कहता है सर जी पीछे हट जाए, डंडा मैंने पकड़ लिया इनकी ऐसी की तैसी। एक बच्चा कहता है सर जी मैंने इनको ना ऐसी तबलीग की है ना कि इंशाल्लाह अब ये शोर नहीं करेंगे। दोनों बंदों का एम क्या था, सेम, कंट्रोल द क्लास, लेकिन तरीकाकार दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब है स्टेट पर ही सबने क्या देनी है, थेरी देनी है, लेकिन स्टेट क्यों आनी चाहिए, और स्टेट का और इंडिविजुअल का या स्टेट का और सोसाइटी का आपस में रिश्ता क्या होना चाहिए, इस पर सबकी राय मुत्तफिक नहीं होगी। हाँ एक चीज सब में कॉमन है कि फर्दे वाहिद का और स्टेट का आपस में क्या है, रिलेशन है, उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिविजुअल ने मिलकर क्या बनाई, और सोसाइटी ने अपनी मैनेजमेंट के लिए ही क्या बनाई, स्टेट। तो इसलिए ये बहस तो फजूल है कि क्या इंडिविजुअल में और स्टेट में कोई रिश्ता है भी या नहीं है। तो इसका मतलब है दुनिया में जो भी फिलोसफर आता है ना, जब वो अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट देता है, अपना स्टेट का मॉडल देता है, तो बेसिकली वो पता है क्या बता रहा होता है कि यार आपने ना सोसाइटी को या इंडिविजुअल को कैसे मैनेज कैसे करना, हाउ टू मैनेज द सोसाइटी, हाउ टू मैनेज द इंडिविजुअल। तो दूसरा हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जितने भी स्टेट के मॉडल्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, चाहे वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो या इस्लामिक हो या वेस्टर्न हो, उन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू प्रेजेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्टेट। व्हाई, टू हाउ टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी,
हाउ टू मैनेज द सोसाइटी, हाउ टू ट्रीट द इंडिविजुअल। अब यहां आपका सवाल एक नेचुरली आ रहा होगा कि सर हमने तो जिंदगी में कोई तरीका नहीं पता हमें कि भाई स्टेट का और इंडिविजुअल का क्या रिलेशन होना चाहिए। तो यहां से हम शिफ्ट करते हैं डिबेट को, थर्ड पॉइंट जो आज का हमने पढ़ना है कि स्टेट में और इंडिविजुअल में क्या रिलेशन होता है और कितनी तरह का रिलेशन हो सकता है। रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स अगर आप नोट कर रहे हैं तो पहले पॉइंट का दूसरे पॉइंट से क्या है, कनेक्शन है, और दूसरे पॉइंट का तीसरे पॉइंट से। मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूं ये, और ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, आई एम गिविंग यू द कॉन्फिडेंस कि ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, फ्रॉम विच एवर बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम यू हैव टू यूज योर बेसिक कॉमन सेंस। चीजें मैं इतनी आसान करके दूंगा आपको, मुश्किल चीजें होंगी बट होगी किस तरह से आसान, कि आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे दो हफ्ते बाद कि जी मेरा तो क्या नहीं था बैकग्राउंड, बट फॉर दैट यू हैव टू एटलीस्ट शो द बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले हमने इस पर बात की, अब हमने इस पर बात की, तो अब हम लॉजिकली किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो यहां से लिख लीजिए जी, दो ही रिलेशन हैं इंडिविजुअल के दरमियान और स्टेट के दरमियान, लंबा चौड़ा काम है ये। पहला रिलेशन, क्या इंडिविजुअल स्टेट से बड़ा है या स्टेट जो है वो इंडिविजुअल से बड़ी है। याद है वो डिबेट एक बचपन में सुनते थे, मुर्गी पहले आई है कि अंडा, सर ये मुर्गी और अंडे की बहस, कि स्टेट ने फर्द वाहिद को जन्म दिया है या फर्द वाहिद ने स्टेट को जन्म दिया, इंडिविजुअल। और जरा उर्दू जरा ज्यादा हो गई, लाइटर है ना उसको कहते हैं ना आलाए फरोगे आतिश, तो वो आजकल मेरे दिमाग में जरा वो चल रहा है इसलिए उर्दू जरा ज्यादा निकल जाती। ठीक जी, इसको और अच्छे तरीके, अभी एक्सप्लेन तो शुरू नहीं किया ना, अभी तो हम डिबेट को कर रहे हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। आसान लफ्जों में लिख लीजिए जी कि इंडिविजुअल जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन स्टेट है या स्टेट इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल है। इसको और करते हैं, एक डिबेट आप सब लोग पढ़ते हैं, आपने अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसमें पढ़ के आए हो, एक बहस होती है उसको बोलते हैं एंड्स एंड मींस, कि किसी चीज का आखिर क्या है और उस आखिर तक पहुंचने के लिए मींस क्या है। ये मेरा ख्याल है तमाम बच्चों को इसका पता हो, एंड्स एंड मींस, कि हमने किसी चीज तक पहुंचना कैसे है और जब पहुंचेंगे तो आगे होगा क्या, यानी कि किस चीज तक हमने पहुंचना है। तो इसको और फिलोसोफाइज कर लीजिए, सोफिस्टिकेटेड कर लीजिए, कि क्या इंडिविजुअल मीन है और स्टेट क्या है एंड है, या स्टेट एंड है और इंडिविजुअल क्या है मीन है। क्या हम रियासत के लिए हैं, और आसान करता हूं, क्या हम इंडिविजुअल रियासत के लिए हैं या रियासत हमारे लिए है। ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, अभी फौरन इधर नहीं जाना कि इनमें से सही कौन सा है, क्योंकि अभी तो हमने दोनों को पढ़ाई नहीं जी। क्लियर होगी बात कि स्टेट क्या है, वो एंड है या मीन है, और इंडिविजुअल एंड है या मीन है। स्टूडेंट्स जितने भी फिलोसफर्स हैं उनमें से आधे पता है क्या कहेंगे, स्टेट एंड है और इंडिविजुअल क्या है मीन है, और आधे फिलोसफर क्या कहेंगे कि इंडिविजुअल एंड है और स्टेट क्या है मीन है। सही है, ये मैं आपको कह रहा था कि सारे फिलोसफर्स को रटा भी लगा लिया जाए ना, सारे फिलोसफर्स को रटा भी लगा लिया जाए तो ये जो डिबेट्स है ना ये आपकी समझ में नहीं आती, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का बच्चा उसने पहले दिन किताब खोली है, प्लेटो को तर्जमा करके अपने क्या निकाल लिए नोट्स, उसको उसको क्या पता है कि ये जो सारी बात हो रही है इसके पीछे भी कुछ चल रहा है, पीछे क्या चल रहा होगा हमेशा ये भूलना नहीं है। बज़ाहिरन हम थ्योरीज पढ़ रहे होंगे लेकिन बैक एंड पे जो बहस चल रही होगी वो क्या चल रही होगी,
वो जब कोई फिलोसफर मुकम्मल हुआ करेगा, कंप्लीट होगा, तो आपको एंड पे खुद ब खुद आपके सामने खुल के बात आ जाए करेगी कि ये बंदा स्टेट को इंडिविजुअल पर प्रायोरिटी दे रहा है या इंडिविजुअल को स्टेट पर प्रायोरिटी दे रहा है। सही होगी बात। अच्छा जी, अब हम इसको ना 2023 में ना पाकिस्तान में डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि फिलोसफर्स कोई मरीख वीनस की बातें करते हैं, बल्कि मेरी और आपकी जो रोजमर्रा जिंदगी है उसी की क्या करते हैं, बात करते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल है आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। जिन बच्चों ने तो पढ़ा हुआ है वेल, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं बता देता हूं, आर्टिकल 19 डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उसकी लैंग्वेज क्या है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, टू स्पीक, टू थिंक, टू यू नो रीजन एवरीथिंग। वो आजादाना तौर पर बोल सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और जिस तरह चाहे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अब मुझे ये बताइएगा, नहीं नहीं 19 ए अरसलान वो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट 19 की बात कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब बताइएगा ये आर्टिकल आपको लग रहा है कि ये इसकी फायदे के लिए, एज अ सिटीजन सोचो ना, कि आपको ये हक जब मिलता है तो आपको बेहतर फील होता है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अब आगे क्या होता है आपको मैं बताने लगा कि ये मुर्गी और अंडे की जो बहस है ना, ये क्यों, ये सारे लोग बेचारे करते क्यों रहे, क्योंकि तारीख में कुछ ऐसी चीजें हैं, इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना कोई सलूशन नहीं है। तो हम उसके लिए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, लेकिन कोई अल्टीमेट सलूशन नहीं ढूंढ सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने क्या कहा कि तुम्हें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसने हरकत पता है क्या की है, इसने व्हाट्सएप खोला, फेसबुक खोला, उस पर ना 25,936 गालियां लिखी, किसी बंदे को दिए, गवर्नमेंट को दिए, किसी जज को दिए, किसी वकील को दिए। नीचे उसने लिख दिया है कि आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसके एतबार से सोचो ये बड़ा क्या फिर रहा है, खुश फिर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्या एक्सरसाइज की है, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब वो जो गालियां जिसको दी ना, वो बंदा पता कौन था, वो आप में से एक बंदा था। उसने जब ये फील किया, उसके तो वो आग लग गई, उसने कहा इसकी ऐसी की तैसी। उसने किसी वकील को फोन किया कि जानी ये काम हो गया है, अब बताओ इसका क्या करूं। दो ऑप्शन है ना, या तो खुद जाके गोली मार दो ना, भाई आपने मुझे गाली दी है ना, तो मैं जाके आपको सीधा सीधा क्या कर दू, खुद थप्पड़ मार दू। दूसरा मैं कोई रब्ता करूं कि यार क्या सीन क्या है। उसने कहा टेंशन नहीं लेनी, आर्टिकल 19 में ही आगे एक और लाइन भी लिखी हुई है कि जो बंदा नफरत पर मबनी कोई बात करेगा, मजहब के नाम पर नफरत फैलाएगा, कोई कोई पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई क्या करेगा, खतरा क्रिएट करेगा, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन जो इसको क्या कह रहा था, तुम्हारे पास क्या है, राइट है, वही कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ताला पकड़ो लगाओ इसके मुंह पे, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बात आप फॉलो कर रहे हैं, जब हमने फर्दे वाहिद को हक दिया तो जिसने तो उसको उसके दायरे में रहकर इस्तेमाल किया उसको तो हुआ फायदा, लेकिन आप सबको पता है कि दायरे में रहना, वही मिसाल भूलनी नहीं है स्कूल वाली भी और स्टेडियम वाली भी, अगर हम दायरे में खुद से रह सकते होते तो फिर हमें दुनिया में पैगंबरों की भी क्या जरूरत थी। मजहब क्यों आया, क्योंकि बंदा दायरे में रहता नहीं था ना, इधर उधर निकल जाता, ठीक है, तो इधर उधर से पकड़ के राह रास्त पर लाने के लिए ही क्या आए, मजहब आए, और इधर उधर से पकड़ के सीधा रखने के लिए ही किसका वजूद आया दुनिया में, स्टेट का वजूद। तो उस बंदे ने आपको फोन किया कि टेंशन नहीं लेनी, हम इसके इसके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके ऊपर जाएंगे कोर्ट में और वहां कहेंगे कि ये बंदा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। स्टेट ने सारा एनालिसिस किया, स्टेट को लगा कि जो पहले वाला बंदा था ना उसने इसके साथ क्या किए, ज्यादती किए, स्टेट ने उस बंदे को खींचा, पकड़ा, उसको कहा इधर आओ, उसके ऊपर एफआईआर कराई, उसको किधर डाल दिया, जेल में डाल दिया। अब वो जो बंदा अंदर था ना, उसको आपने फोन किया, हाँ जानी जेल कैसी चल रही है, उसने कहा ये क्या मुल्क है यार, ये क्या मुल्क है पाकिस्तान, यहां बोलने की भी आजादी नहीं है,
वो अमेरिका में देखो, वो व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होके गालियां निकाल के ट्रंप को खड़े होते, उनको तो आज तक किसी ने अरेस्ट नहीं किया। ये कैसा मुल्क है कि जिसमें मैंने थोड़ी सी बात कर दी है और उन्होंने मुझे क्या कर लिया, अरेस्ट कर। आप पोल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने उसको उससे फोन पकड़ के किसने ले लेना, आपने ले लेना। आपने कहना है अगर तुम अमेरिका में होते तो वहां पता कौन सी थ्योरी चल रही है, इंडिविजुअल इज प्रायर टू स्टेट, स्टेट खुद थोड़ा सा सरेंडर कर जाती है और इंडिविजुअल को कहती है अच्छा भाई तूने इत्तेजाज कर रहे है ना, ये ले इधर गालियां देके कर ले, खैर कोई मसला नहीं। तू कहां रहता है, यहां कौन सी थ्योरी चलती है, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, तो जानी इधर तुझे अपनी इन अनलिमिटेड जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, काबू पाना पड़ेगा, वरना स्टेट कहेगी कि मैं पहले हूं और आप बाद में। मेरा पॉइंट आपको समझ आया, पॉइंट समझ आ गया। इसीलिए वजह से आधे फिलोसफर्स आया करेंगे, वो कहेंगे जिस बंदे ने फर्दे वाहिद की तरफ देखा भी ना उसकी आंख निकाल देंगे। स्टेट कौन होती है इंडिविजुअल के मामलात में मुदाखलत करने वाली, आधे फिलोसफर आएंगे वो कहेंगे सारी बर्बादी की जड़ कौन है, इंडिविजुअल है, सारी बर्बादी की जड़ कौन है, इंडिविजुअल है, इसको कर्ब करना, इसको कंट्रोल करना, इसको काबू में रखना क्या है, वो बहुत जरूरी है, और वो करेगा कौन, स्टेट करेगा। समझ आई बात की, मैंने सिर्फ एक आर्टिकल की मिसाल दी है, मैं 100 आर्टिकल कोट कर सकता हूं जिसमें आपको ये दोनों रिलेशन क्या होंगे, साथ साथ नजर आएंगे, एक तरफ इंडिविजुअल की आजादी लिखी होगी और साथ ही कौन होगा, स्टेट होगा, बस उसकी तशरी का फर्क कहां पर होगा, जो इलाका होगा वहां पर वही तशरी होगी। पाकिस्तान में हमारा एक बड़ा अहम ओहदा है, आईनी तौर पर तो वो ओहदा इंतहाई फारिग है, उसकी ओहदा है ही नहीं, लेकिन हकीकी तौर पर वो ओहदा बड़ा अहम है, DGISPR, आजकल तो काफी मशहूर भी हो चुके हैं, ठीक है, आवाम में, बच्चों में, खास तौर पर छोटे बच्चों में मशहूर हो चुके हैं। उनकी तरफ से एक फिक्रा सुनने को मिलता है आप सबको, और आप भी आधे बच्चे वो ही हो बैठे हुए जो बिलीव भी करते हो, क्या पाकिस्तान है तो हम हैं, ये फिक्रा सुना है कभी आपने किसी के भी मुंह से, पाकिस्तान है तो हम हैं। प्लीज उनको इस थ्योरी में डाल दीजिए, इस कैटेगरी में डाल दीजिए कि ये वो लोग हैं जो कहते हैं रियासत अव्वल होती है और जो इंडिविजुअल होता है वो इसका क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। और कुछ जुमला आपने शायद पाकिस्तान में ना सुना हो लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं सुना हो कि हम हैं तो रियासत है, ये कौन सी थ्योरी है, ये थ्योरी है कि इंडिविजुअल पहले है और स्टेट बाद में, ठीक है, समझ आ गई बात की। अब मैं आखिरी बात करके आगे चलता हूं, क्या मैं स्टेट के लिए एग्जिस्ट करूंगा या एक स्टेट मेरे लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, ये वो डिबेट है, ठीक है, ये दो ही रिलेशन है। आधे फिलोसफर किस में आएंगे, इस साइड पे, इसकी हिमायत में, मैकैवली पढ़ोगे ना, थॉमस हॉब्स पढ़ोगे, वो कहेगा ऐसी की तैसी इंडिविजुअल कोई चीज नहीं होती, लंबा पा दो इन्हें, ठीक है, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर कंट्रोल चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल आएगा, वो कहेगा कि इंडिविजुअल की आजादी ना खुदा के कोई बराबर का तसव्वुर है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। स्टेट कौन होती है, हू द हेल इज स्टेट, स्टेट है कौन, वो ऐसी लैंग्वेज में बात करेगा, वो कहेगा स्टेट है कौन, स्टेट का क्या काम है कि वो इंडिविजुअल को क्या करे, इंटरफेयर करे। हॉब्स आएगा, वो कहेगा ये कौन है, एमी खाम खा कोई भी बंदा उठता है, उठ के अपनी शोशा छोड़ देता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई तुम कौन होते हो, तुम्हारे लिए मैं 24 करोड़ लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, मुझे तुम्हारे तुम्हें कैद करना ही करना है, तुम्हें काबू में रखना ही रखना, समझ आ गई बात की। तो एक तरफ कौन है, इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफर है जो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेंगे, और दूसरी तरफ कौन है जो स्टेटिज्म को या स्टेट को क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ये वो बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि अब मैं खुल के कर सकता हूं कि आप सारे फिलोसफर पढ़ लीजिए, सारे खुद से या वैसे भी पढ़ लीजिए, अगर आपको ये नहीं ना पता कि ये फिलोसफर्स के पीछे क्या स्टोरी है तो फिर आपने रटा लगाया होगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। बात समझ, जब आप ये डिबेट समझ गए, पहले तो ये समझना है ना, नया बच्चा है उसको तो यही नहीं पता कि ये डिबेट होती भी है या नहीं होती, तो आज के दिन क्या लग गया, पता लग गया कि होती है। आप प्लेटो पढ़ोगे, एरिस्टोटल पढ़ोगे तो रोज वही चीज वेरीफाई
होती जाएगी, और जब पर एंड पर फिलोसफर खत्म होंगे तो आधे फिलोसफर किस कैटेगरी में जा चुके होंगे, स्टेट वाले में, और आधे इंडिविजुअल पर। डन होगी जी बात। अब आपका इसी के साथ जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, बल्कि यही सेम समझे कॉन्सेप्ट है तकरीबन, बट उसको थोड़ा एक आगे एक स्टेप क्या लेके जा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं, और वो क्या है, वो ये है कि स्टेट, भाई मेरी और आपकी लड़ाई क्यों होगी, कुछ आप चाहते होंगे और कुछ मैं चाहता हूंगा, और जब उन दोनों में क्या होगा, इख्तलाफ होगा, तो फिर बहस शुरू होगी ना। अब ये, अब हमने डिस्कस करना है कि ये क्या चाहता है और स्टेट क्या चाहती है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंडिविजुअल क्या चाहता है, मैं पहले आता हूं किस पर, स्टेट क्या चाहती है। प्लीज स्टेट का वर्ड अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उसकी जगह पर बार बार कौन सा वर्ड याद रखना है, अथॉरिटी का, ठीक है, उसकी जगह पर वर्ड याद रखना है रेफरी का, उसकी जगह वर्ड याद रखना है मैनेजर का, उसकी जगह वर्ड याद करना है अंपायर का, ये वर्ड याद रखने हैं, रटा नहीं ना मार कॉन्सेप्ट लेना। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि वो जो स्कूल का टीचर था वो क्या चाहता था, जब वो बच्चों को कह के गया कि बंदे दे पुत्र बांध के रहना मैं आ रहा हूं, व्हाट ही वांटेड, डिसिप्लिन चाहता था, और बेहतर वर्ड यूज करें, शाबाश, पीस, प्रोग्रेस, ऑर्डर, ठीक है, इस्तेहकाम के, ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके, हर बंदा अपनी अपने दायरे में बरकरार रहे और बिल्कुल मामला क्या होते रहे, सेट होते। वो जो पुलिस वाला आया था स्टेडियम में आपकी लाइन ठीक कराने के लिए, उसका आपका कुछ जाती है नाद है, वो तो आपको जानता भी नहीं है, वो क्या चाह रहा है, डिसिप्लिन चाह रहा है। इसका मतलब है स्टेट का अव्वल आखिर जो मकसद होता है वो सोसाइटी को ऑर्डर प्रोवाइड करना है, पीस प्रोवाइड करना है, डिसिप्लिन प्रोवाइड करना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। सर अगर आपको पता चले कि कच्चा लालच रोड के ऊपर जो है वो आज ही फायरिंग हुई है अभी ताजा ताजा, आप आएंगे इधर नहीं आएंगे, आपको पता लग गया जी उधर आग लग गई, नहीं आएंगे ना। इसका मतलब है अमन होगा, ऑर्डर होगा, पीस होगा, तो फिर बाकी जिंदगी के मामला चलेंगे। तो स्टेट का अव्वल और आखिर काम क्या है, ऑर्डर मेंटेन करना। डन हो गया जी। तो इसका तो हमें पता चल गया कि स्टेट क्या चाहती है। अब आई है बारी किसकी, इंडिविजुअल नहीं कहना, वो पुराना हो गया, अब आप ऑल साइंस में 20 मिनट पुराने हो चुके हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल खत्म, बात ही अपनी करनी है, आप कौन है, इंडिविजुअल है ना तो अपनी बात करें। जिंदगी में फर्द वाहिद क्या चाहता है, ऐसे नहीं सोचना कि मैं किसी का बाप हूं, बेटा हूं, भाई हूं, बहन हूं, ऐसे तो फिर आप सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे, मैं माँ बाप की खिदमत करना चाहता हूं, मैं अपने बहन भाइयों को पालना चाहता हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिर्फ और सिर्फ आपका जो अपना अंदर सेल्फ है ना, सेल्फिश सेल्फ है, उसकी चाहता हूं कि वो हमेशा क्या चाहता है, ठीक है, पीस चाहता है, पीस तो फिर इधर ही मिल रहा है, वो भी चाहता है, वो किस तरह का पीस चाहता है। अच्छा ये भी ना, मैं आप लोगों का थोड़ा चल के ना आगे चार दिन, आपकी चार दिन ना आगे चल के तबीयत ठीक करूंगा, ये पाकिस्तान में ना मौलवियों ने मशहूर करा दिया है कि नौजवानों को क्या चाहिए, पीस चाहिए। भाई पीस उस बंदे को चाहिए होता है पहले जिसके दिमाग में कोई कियोस क्रिएट हो ना, है 20 साल की उम्र से तुम केड़ा कियोस क्रिएट कर, मतलब आपने अभी तक हमने क्या तीर मारा है ना, वी आर मतलब 20s 30s में आप कौन सा कोई पहाड़ों पे चले गए थे 20 साल, बड़ी तपस्या की, अब क्या चाहिए, पीस चाहिए। कौन सा को आप मतलब 10 सालों में बिलीनियर हो गए, आपने फेसबुक बिल्ड कर दिया कि योर माइंड ने ना 10 साल रेस्ट ही नहीं किया, अब मुझे पीस चाहिए। हम तो जानी पहले ही वेले हैं, ऊपर से हमें और पीस दे दोगे हम तो नशई हो जाएंगे, और पहले ही पूरी कौम बासी थे हुई पड़ी है, समझ आ रहे भाई, एक बंदा पहले ही सुस्त है ना, आप ऊपर से उसको और कहते हो वेले रहने में बरकत है, वो कहता है ठीक ठीक है। ये नहीं, इंडिविजुअल क्या चाहता है, इंडिविजुअल की प्राइमरी इंस्टिंक्ट क्या चाहती है, ये आप में से हर वो बंदा समझ सकता है जो हल्की फुल्की यज्ञ लगाता है। मसलन चार लोग बैठे थे, अब आपने अपनी फिल्म पे निकल ली, अब मिसाल मेरा ख्याल है रियलिटी वाई है, चार लोग बैठे थे, आपने क्या करना था अपनी अंदर से फिल्म पर, अब आप फंसे हुए हैं कि इनके साथ भी मेरा तमीज और लिहाज का रिलेशन, इनको भी मैंने
सेट करना है, और साथ जो मेरी अपनी मुझे आई हुई है वो भी मैंने जाके पूरी करनी है। तो फिर असल इंसान वो होता है जब आपके ऊपर कदगन लगी हो ना, फिर पता चलता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, आप रूटीन में घर रोज 8 बजे चले जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दिन अचानक आपके अब्बा जी कह देना आज के बाद जो 8 बजे के बाद आया ना वो घर ना एंटर हो। आप 7 बजे होंगे ना, आपको लग रहा होगा यार को पंगा ना हो जाए, वो पंगा ना हो जाए। ठीक है, आपके दिल में हलचल शुरू हो गई। तो फिर ठीक 3 दिन बाद क्या चलेगा, आप अपने भाई बहन को फोन करेंगे मैं 9 बजे आऊंगा, तो दरवाजा चुप करके क्या करना, खोल देना। इंडिविजुअल ये चाहता है आजादी, अव्वल आखिर मरते दम तक, बाकी तमाम चीजें इसी में आ जाती है भाई। आजादी होगी तो प्रोफेशन चूज करोगे ना, आजादी होगी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आएगी ना, आजादी होगी तो जो भी आजादी चाहते हो वो कहां से निकलेगी, वो इटसेल्फ पहले मानना पड़ेगा कि इंडिविजुअल चाहता क्या है। इंडिविजुअल चाहता है फ्रीडम, लिबर्टी, अपनी मर्जी करना चाहता है। ठीक है, वो क्या करना चाहता है। और ये कोई मैं फलसफा नहीं पढ़ा रहा आपको, आप सब लोग मेरे सामने इतने मासूम ना बने। ठीक है, आप मुझे बताएं ना, पिछले 5-7 सालों से नसीहतें होती है घरों से, कौन बंदा है जिसको घर से कभी नसीहत नहीं हुई, सबको होती है। कितनी को आप मानते हो और कितनी को नहीं मानते, जो बंदा अफोर्ड कर सकता वो ही मानता है। जहां बंदे को लगे ना कि ना 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 ना, वहां आप कहते हैं मेरी आज लंबी क्लास है, हैं जाना आपने कही बाबलात और होते हैं, आज आप क्या कहते हैं सर ने एक्स्ट्रा क्लास रखी, आप फौजगियां तक करा देते, शादियां तक करा देते, दादी 3 दफा मारते हैं कि खुदा की कसम दादी फौत होगी। ऐसा होता कि नहीं होता, और ये कोई आज की बात नहीं कर रहा, स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से होते होते आप यहां तक पहुंचे। तो ये सफर ऐसे चल रहा है, आपके सामने रुकावट आती है, आप फिल्म फुल्म करा के निकल जाते, कभी फंस जाते और कभी निकल जाते। याद रख लीजिएगा, सियासत पॉलिटिक्स की स्टडी जो है ना, ये इसी चोर और सिपाही की गेम है। इंडिविजुअल आजादी चाहता है, स्टेट ऑर्डर चाहती है। अब अगला सवाल समझ लीजिए कि क्या ऑर्डर और आजादी ये दोनों एक जैसी वैल्यूज है या एंटी है एक दूसरे का। यार आप लोग बड़ा आसान फिर करता हूं कि स्टेट चाहती है मुल्क में अपना मोहल्ले में क्या होना चाहिए, पीस होना चाहिए, और आप क्या चाहते हैं, आजादी होनी चाहिए। तो आजादी और जो ऑर्डर है ये दोनों का रिलेशन फिर क्या बनेगा। अब आप यहां से निकले, ठीक है, आपके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, आगे आप देख लें 3-4 पुलिस के नाके लगे हुए हैं, ऐसे स्टेट खड़ी, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, अचानक ना ऐसे बंदे को क्या फील होना शुरू हो जाता है, ऐसे फियर सा बेहतर बंदा ना डिसिप्लिन सा होना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार, जैसे मैं सीट बेल्ट की एग्जांपल देता हूँ, रूटीन में आप नहीं लगाते लेकिन सामने 3 वार्डन देखते ना ऐसे जट करके आप क्या लगा लेते, क्योंकि आप पहले क्या एंजॉय कर रहे थे, फ्रीडम। ठीक है, वो किस लिए खड़ा है, ऑर्डर के लिए। तो फ्रीडम और ऑर्डर याद रख लीजिए ये एक दूसरे का एंटीथीसिस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसको बड़े लेवल पर एग्जांपल सुन, आप पैसा कमाना चाहते हैं ज्यादा, स्टेट चाहती है मुझे टैक्स भी दो, सही है। आप गाड़ी चलाना चाहते हैं 150 पे क्योंकि रील जरा उस पर अच्छी बनती है, ठीक है, वो खड़ा हुआ है कैमरा लेके कि किसी को मार ना देना भाई 120 पर चलाओ, वो चलान कर रहा है। ऑर्डर और लिबर्टी का क्या है, तजाद है, फर्क आ रहा है, समझ आ रही बात की। ठीक है, आर्टिकल 19 दोबारा लिखो ताकि जमीन में फिर क्लैरिटी आ जाए। फर्द वाहिद क्या चाहता था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और चाहता भी अनलिमिटेड है, गालियां भी निकाल के बाद में क्या कह रहा होता है, ये मेरी क्या थी, आजादी थी। आगे से जब स्टेट ने काबू किया तो वो क्या कर रहे थे, ऑर्डर, सही। तो इसका मतलब है लड़ाई असल में स्टेट की और इंडिविजुअल की नहीं है, लड़ाई असल में स्टेट, वो पुरानी बात समझ सर ने गलत पढ़ा दी है, वो गलत स्विच प्रेस हो गया, पता ना कभी कभी गलत स्विच हो तो समझ ले गलत स्विच प्रेस हो गया। लड़ाई असल में किसकी, स्टेट की और फर्द वाहिद की है ही नहीं, आजादी की अपना लड़ाई किसकी है, फ्रीडम की और ऑर्डर की। बस ये लिख लीजिए कि पोल साइंस के अंदर ये एक ऐसी डिबेट है जिसने हमारा पीछा छोड़ना ही नहीं है, अगले 2 माह भी पीछा नहीं छोड़ना। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनकी थोड़ी सी भी सीनियोरिटी है, जिनका कुछ पढ़ा हुआ है पहले से, मैं उनको कहूंगा पता नहीं आपको इतना पहले इस तरह पढ़े हुए या नहीं पढ़ते या जो भी है,
ठीक है, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, ये बहस सिर्फ पोल साइंस में नहीं है, ये बहस फिलोसफी में भी है, ये बहस सोशियोलॉजी में भी है, ये बहस जेंडर स्टडीज में भी है, और ये बहस क्रिमिनोलॉजी में भी है। तो जिस जिसके ये वाले ऑप्शंस हैं, वो अभी तक की ये जो डिबेट है, डिस्कशन है, प्लीज इसको वहां पर भी क्या कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए। सोशियोलॉजी की सारी थ्योरीज निकालें, जेंडर की सारी थ्योरीज निकालें, कोई चीज निकालें, आपको अंदर से मिलेगा क्या, यही डिबेट मिलेगी कि ऑर्डर है या फ्रीडम है। फ्रीडम वाले और होंगे, ऑर्डर वाले और होंगे, डन हो गई जी बात। तो इन दोनों में क्या है, फ्रीडम और सॉरी ऑर्डर और फ्रीडम का आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, डायलेक्टिकल रिलेशन है, एंटीथीसिस, थीसिस एंटीथीसिस का रिलेशन, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है। और साथ ही लिख लीजिए, एक को बढ़ाओ तो दूसरा कम हो जाता है, और दूसरे को बढ़ाओ पहले वाला कम हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे बैठे हैं, इन्होंने बच्चे होते हैं ना, दिल से पहले तसल्ली करके आते हैं कि मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ, समझा के भेजना है ना। COVID-19 एग्जाम्पल लिखे इसकी, COVID-19, मेरी चलने की भी आजादी, मेरी स्कूल जाने की भी आजादी, मेरी कारोबार करने की भी आजादी, बाहर घूमने की भी, सारी आजादियां आईन में लिखी हुई है। और यह भी लिखा हुआ कि स्टेट इनको छीन भी नहीं सकती। कोविड आ गया तो पूरे 22 करोड़ लोगों की जिंदगी किसमें पड़ गई, खतरे में पड़ गई ना, पूरे के पूरे भाई, कोविड से पूरा मुल्क डेंजर में आ गया ना। तो जब पूरा मुल्क डेंजर में आ जाए तो स्टेट बनाई क्यों थी, दोबारा रिवाइज करें बार बार, स्टेट क्यों बनाई थी? अगर हम लोगों को कहते कि भाई कोविड आ गया तो मास्क पहन के निकलना है, अपने अपने पे हो, कोई दुकान बंद करता, कोई स्कूल बंद करता, कोई कुछ करता, इसका मतलब होना था जहां 500 लोग मरे हैं ना वहां कितने मरते हैं? ओ भाई 5,000 नहीं, 50 लाख मरते हैं। हमने तो कोविड में नहीं मामला फिट किए, तो कोविड के बगैर अगर गवर्नमेंट के होते हुए हमने नहीं माना, क्या ख्याल है? दुकानें खुली रही कि नहीं खुली रही? खुली रही, शटर नीचे होता था, एक बंदा अंदर बैठा होता था, एक बाहर वॉक कर रहा था। ठीक है, वो वॉक नहीं कर रहा होता था, वो गाहक का इंतजार कर रहा था, दूर से गाहक ने उसको कह रहा है 2 किलो चीनी दे दे, अंदर से बंदा बैठा है, उसने 2 किलो चीनी ला के आपको दे देनी। तो हमने तो रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी ये वाले मामला चलाए। इमेजिन करें कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो तबाही कितनी बड़ी होती। यहां से सीखिए कि स्टेट कितनी जरूरी है, कि जब इज्तमाही खतरा आ जाए तो आप इंफरादी तौर पर नहीं लड़ सकते। आप में से कोई बंदा है जो क्लाइमेट चेंज से अकेला लड़ सकता है? नो, यू नीड स्टेट एफर्ट। आप में से कोई बंदा है जो फ्लड से अकेला लड़ सकता है? नहीं, यू नीड अ कलेक्टिव एफर्ट लेड बाय द स्टेट। सही, आपकी सारी आजादियां स्टेट ने खत्म करके आपको साथ कोविड में क्या कर दिया था, आपको डोमेस्टिकेट कर दिया था कि भाई आपकी अपनी गली है, आप उसमें नहीं निकल सकते, गली से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे भी कई जगहों पर इतना सख्त भी था कि गली से भी बाहर निकलोगे ना तो पंगा हो जाएगा। आप समझ आए आपको कि स्टेट जो है वो कभी कभी आजादियों को छीन लेती है, किसके लिए? ऑर्डर के लिए। और कभी कभी इंडिविजुअल्स भी, फिर इंडिविजुअल है ना, फिल्म है ना बहुत पड़ी, कभी कभी ये भी कहता है कि जानी अब या तू रहेगा या मैं रहूंगा। यूरोप में बनने वाली जितनी भी स्टेट्स हैं जो 19वीं और 20वीं सदी में बनी है, अमेरिका, फ्रांस, ये सारे पता है स्टेट्स क्यों बनी है? क्योंकि उधर के जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए, और उन्होंने आजादी के लिए स्टेट तो बनाई लेकिन स्टेट को अपने ताबे कर लिया, और उन्होंने कहा फर्द वाहिद क्या होगा, वो प्रायर होगा, स्टेट हमारा मतहत है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में अभी ये फिलॉसफी नहीं चलती, हमारे यहाँ कौन है, स्टेट अहम है और फर्द वाहिद जो है वो अहम नहीं है, अहम लेकिन इतना अहम नहीं है। डन होगी बात, क्लियर होगी बात? तो ये फर्स्ट डिबेट हमारी क्लियर होगी, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल या ऑर्डर वर्सेस ट्रेड। अब जितने भी फिलोसफर आएंगे, मैं अगेन रिपीट करता हूं, कुछ लोग कहेंगे क्या जरूरी है, फ्रीडम, और कुछ क्या कहेंगे, ऑर्डर। क्लियर होगी बात? चलिए, अब आएंगे हम दूसरी डिबेट की तरफ, और वो है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी।
अच्छा ये और पहले वाली जो डिबेट है ये 99% क्या है, सेम है, क्योंकि सोसाइटी भी क्या चाहती है, ऑर्डर चाहती है, और इंडिविजुअल फिर क्या चाहता है, मैं दोबारा यहां मेंशन भी कर देता हूं, ये भी क्या चाहते हैं, ऑर्डर, और ये क्या चाहते हैं, फ्रीडम। बस फर्क क्या है कि स्टेट ऑर्डर लाती है किसके थ्रू, फोर्स के थ्रू, पुलिस के थ्रू, फौज के थ्रू, अदालत के थ्रू, लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ये लिख लीजिए। स्टेट किसके थ्रू ऑर्डर लाती है, लॉ के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, फोर्स के थ्रू, पुलिस के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। सोसाइटी के पास तो मेरा ख्याल इनमें से कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन सोसाइटी पड़ी तो हमारे पीछे ही रहती है, ये ना करो, ये ना करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये बिहेव करो, वो बिहेव करो, तो सोसाइटी के टूल्स क्या है, फिल्म सेम है, टूल क्या है, डिफरेंट है। मसलन मोरालिटी, बेटा ये नहीं करना, ये गैर अखलाकी काम है, ठीक है। एथिक्स, कस्टम्स, बेटा हमारे खानदान में ऐसे नहीं होता। नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बेटा हमारी परंपरा ये है, हमारे बुजुर्ग भी यही करते आ रहे हैं। एक फर्क और नहीं मैंने बताया, वो अभी बताऊंगा। अगर स्टेट के साथ पंगा करो ना, हीरोइज्म करो, वो उसके बदले में पनिशमेंट देती है, क्योंकि उधर लॉ है ना, तो इशारा तोड़ने पर नसीहत नहीं होगी। सादा सी बात बता रहा, इशारा तोड़ने पर कभी किसी वार्डन ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कल से मत तोड़िएगा प्लीज, वो कहता है इधर आ तेरा मैं 3000 का चालान करा, बल्कि उससे लड़ना पड़ता है कि चालान छोटा कर, वो कहता है नहीं तेरे डबल इशारा तोड़े तेरा डबल करूंगा। और सोसाइटी में से आपने कभी सुना हो कि कभी किसी को पनिश, घर से जो पनिशमेंट मिलती है वो कैसी पनिशमेंट होती है, 2 दिन खर्चा बंद कर दिया, 2 दिन पैसे कम कर दिए, ठीक है, बोलना छोड़ दिया, जज्बाती कर दिया, है मेरी लाश से गुजर के जाओगे, यू नो इस तरह की बातें, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर तुम ये करोगे, इस तरह की चीजें करते। तो लिख लीजिए कि सोसाइटी की वायलेशन करने पर कोई फॉर्मल पनिशमेंट नहीं है, स्टेट को वायलेट करने पर, स्टेट के खिलाफ गुस्ताखी करने पर फॉर्मल पनिशमेंट है, क्योंकि उधर लॉ है, इधर क्या है, इधर नॉर्म्स है, वैल्यूज है, कस्टम्स है। लेकिन ये मत, इस बात पे मत रहिएगा कि सोसाइटी पनिशमेंट नहीं देती, पनिशमेंट देती है, वो भी जरा डिफरेंट तरह की, ठीक है। लेकिन अब ये जो मैं एग्जांपल देने लगा हूं, ये सिर्फ वही बच्चे समझ सकते हैं जो कभी इस चीज का शिकार बन चुके हैं, शायद अभी बन रहे हूं, और हो सकता है आने वाले 1-3 सालों में बनने वाले हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 50-100 लोगों की क्लास हो और हो भी सारे पाकिस्तान से, सारे पाकिस्तान से ही है ना, और ये ना हो कि कभी आपको ये सवाल पे फड्डा दरपेश, जरूरी नहीं कि सबको आया हो, लेकिन मेरी दुआ है सबको आए, ठीक है, सबको आएगा तो समझ आएगी ना, बददुआ नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन ये फड्डा दरपेश आएगा। और वो फड्डा क्या है, आप सब जानते हैं कि 18 साल की उम्र के बाद तकरीबन 25-26-30 तक हम सबको एक सवाल दरपेश होता है, और वो क्या है, देखे ये लेवल होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए, अभी मैंने बोला नहीं, बदले पहले बोल दिया, उसको पता लग गया कि फिल्डिंग जा कर रही। द क्वेश्चन ऑफ मैरिज, 3 प्रोपोजिशंस। पहला, आप हैं एक फारिग आदमी, आपको पता ही नहीं, ठीक है, अम्मा अबा ने कहा बेटा ये है, आपने कहा ठीक। पहला वेरिएशन ये हो गया, फुल ताबेदार बच्चे ना, फुल, कोई पता ही नहीं है दुनियादारी। दूसरा बच्चा क्या है, दूसरा कहता है गांव से आया हुआ है लाहौर पढ़ने के लिए, ठीक है, यहाँ उसको लगा कि कोई मसला ही नहीं है जानी, ये तो खुला काम है। उसने प्रवीण से कहा कि तुम और मैं जिएंगे भी और मरेंगे, सही है। पीछे जो अम्मा बैठी थी वो अपनी बहन को, जो कि आपकी क्या लगती है खाला, उनको आपके पैदा होने के ठीक 2.5 दिन बाद ये कह चुकी थी है कि ए पुत्र ही तेरा, सही है। अब पंगा आ गया, सोसाइटी ने कहा कि भाई ये कर लो, आपने कहा ये कर लो। अब यहां पर 2 ऑप्शंस हैं, या वो मान जाए या आप मान जाए। मुझे इससे गर्ज नहीं कि कौन माना, मुझे इस चीज से गर्ज है कि लड़ाई हुई कि नहीं हुई, भले तरला मिनट हुआ, ठीक है, दोनों तरफ से, भले सीरियस भी लड़ाई हो जाती है, आपको पता लोग घर छोड़ के चले जाते, ये कोई आसमान की बात तो नहीं कर, लोग घर छोड़ के चले जाते, लोग घरों से अपने बच्चों को निकाल भी देते हैं, बाज़ सख्त लड़ाई हो जाती,
ठीक है, वो मैं आपको दरमियानी तरीका भी बताऊंगा कि गेम डालनी कैसे अगर कभी जरूरत पड़े तो, ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। ठीक, एनीवेज लड़ाई हो गई, लेकिन एक बात कहूं मैं, जिस बच्चे को ये टाइटल मिल जाए ना कि ये गुस्ताख है, अक्सर ये वर्ड सुना ना, ये बच्चा कौन है, गुस्ताख है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, इसको आउटकास्ट कर दो। उसको जेल की तो सजा नहीं होती, लेकिन उसको अपने से वो लोग क्या समझना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ समझ के डिफरेंट ट्रीट करना शुरू कर देते। तो लिख लीजिए, स्टेट जेल में भेजती है और सोसाइटी आपको सोशली आउटकास्ट कर देती है। और प्लीज, इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में अगर कोई भी ऐसा बंदा जिसने सारे खानदान को पीछे करके पसंद की शादी की हो, आप उसके हालात देख लीजिए, किसी नुक्कर पे किराए का बकाल लेके रह रहा होगा, ठीक है ना, पीछे दिल करे तो वो चौधरी आदमी हो ना, ठीक है, लेकिन मोहब्बत की खातिर वो बेचारा, मोहब्बत की खातिर नहीं, अपनी आजादी की खातिर, कि ये मेरी क्या है, ये मेरी च्वाइस है, डालो की बात। ये छोटी एक एग्जांपल है, आप सबको पता है हर चीज पर हमारा क्या हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है, सही है, उठने पे इख्तलाफ हो जाता है, बैठने पर इख्तलाफ हो जाता है, रस्म और रिवाज पे इख्तलाफ हो जाता है, ठीक है, आपकी पसंद और नापसंद का क्या हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है, डालो की बात। तो ये दूसरी डिबेट है पॉलिटिकल साइंस में, कोई भी फिलोसफर आएगा वो जब स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल की बात करेगा, लॉजिकली है कि वो साथ किसकी बात कर रहा होगा, सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल, और सोसाइटी भी क्या चाहती है, ऑर्डर, ठीक है। और ये लिख लीजिए, ये जस्टिफिकेशन है कि दुनिया में मजहब, इखलाकियात, रवायात और समाज, ये सब कुछ होता ही क्यों है, सोसाइटी को बैलेंस रखने के लिए, सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए। अगेन मैं आपको कहूंगा, दोबारा सोचो कि अगर ये इसको, इसके ऊपर कोई कदगन हो ही ना, तो आपको पता है ना ये क्या करेगा, सही, ये तो फिर पागल हो जाएगा ना, तबाही। तो इसलिए फिर आप इसको क्या करते हैं, डिफरेंट तरीकों से टेम करने की कोशिश करते हैं, प्यार से, डरा के, अल्लाह का नाम लेके, खानदान का नाम डाल के, सारे काम करके, फिर भी आप इसको क्या करते हो, काबू करने की कोशिश करते हो। लेकिन आप सबको पता है फिर भी इंसान काबू नहीं होता, अगर वो काबू हो जाए तो फिर आजादी का क्वेश्चन ही दुनिया से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सही, क्योंकि ये रास्ता दरमियान में से क्या कर लेता है, हल्की सी गुंजाइश निकाल लेता है, गुंजाइश निकाल के ये अपनी आजादी को एक्सरसाइज करता है, डन हो गई बात। तो ये दूसरी डिबेट है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इसको लिख लीजिए इंडिविजुअल वर्सेस सोशल ऑर्डर, इंडिविजुअल वर्सेस सोशल ऑर्डर। डन होगी जी बात। एंड आई अगेन रिपीट, हाफ ऑफ द फिलोसफर फेवर्स द इंडिविजुअल एंड रेस्ट ऑफ देम फेवर द स्टेट, स्टेट सोशल ऑर्डर या स्टेट, ठीक है। और स्टेट क्या करती है, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन और कस्टम्स, ठीक। और तीसरी चीज, इंडिविजुअल क्या करता है, वो अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करता है। क्लियर होगी जी बात, ठीक है। तो ये डिबेट है, और इसी के अंदर ही सारे फिलोसफर्स को और सारी पोल साइंस को हमने क्या करना है, थ्योराइज करना है। डन हो गई बात, ठीक है। और अब आते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था, क्या स्टेट के पास सिर्फ एक ही मॉडल है या डिफरेंट मॉडल्स। तो आप सब ने उस टाइम इत्तफाक किया कि एक मॉडल होता तो इतने फिलोसफर पढ़ने की जरूरत ही ना होती, हम एक को पढ़ते तो सारे हो जाते। तो मॉडल्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टेट के मॉडल्स को दो हिस्सों में फिर तकसीम कर लीजिएगा। एक मॉडल का नाम है मॉरल थ्योरी या मॉरल मॉडल, और एक का नाम है ए मॉरल मॉडल या ए मॉरल थ्योरी। अगला सवाल आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि क्या आधे लोग इधर होंगे या नहीं होंगे, होंगे, और आधे लोग किधर होंगे, उधर होंगे। इसका मतलब है स्टेट का इंडिविजुअल को कंट्रोल करने का जो तरीका कार है, वो मजीद कितने हिस्सों में तकसीम है, दो में, एक मॉरल और एक ए मॉरल।
छोटी सी डेफिनेशन ले लीजिए कि मॉरल किसको कहते हैं या एथिक्स किसको कहते हैं, तो ये मेरा ख्याल है जो कॉमन मैन आप यूज करते हो ना वही मीनिंग है, कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। जब इंसान कोई भी काम करते वक्त अच्छे और बुरे की तमीज को क्या रखे, सामने रखे, तो हम कहते हैं कि इस ये शख्स क्या है, मॉरल है। और जो शख्स अच्छे और बुरे की तमीज को क्या कर दे, साइड पे कर दे, हम उसको कहते हैं कि इस शख्स की ना कोई अखलाकियात है और ना इसकी कोई मोरालिटीज है। डन हो गई बात? इसका मतलब है रियासत का एक वो मॉडल होगा जो अपनी पॉलिसी बनाने से पहले किसको सोचता है, राइट और रॉन्ग को। और रियासत का एक वो मॉडल है जो कहता है राइट और रॉन्ग मैटर ही नहीं करता। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर हमारा तो पहला दिन है, हमें यह भी फिर क्लियर कर दे कि रियासत के लिए राइट और रॉन्ग होता क्या है, यानी कि किस चीज को सामने रख के डिसाइड करेंगे कि ये राइट किया है या रॉन्ग किया है। क्लियर हो गई बात? तो अब इसका आंसर लिख लीजिए। जब भी कोई स्टेट अथॉरिटी, रेफरी या अंपायर अपनी उस अथॉरिटी को पूरे मुआशरे के फायदे के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि उसको बोलेंगे कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, तो ऐसा स्टेट का मॉडल क्या कहलाएगा, मॉरल कंसेप्शन ऑफ स्टेट। जब हुक्मरानी करने वाला बंदा स्टेट इटसेल्फ अपनी हुक्मरानी को करते वक्त कौन सी चीज को प्रेफरेंस दे हर दफा, कि यार पब्लिक इंटरेस्ट, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा आपने सुना होगा। इन शॉर्ट और आसान कर दूं, स्टेट का मकसद ही क्या हो, इज्तमाई फायदा कराना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, मॉरल स्टेट। लेकिन जब आप पाकिस्तान में रहते हो ना तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इधर आप पिट पिट के बैठ गए, जज से भी, जर्नैल से भी, ब्यूरोक्रेट से भी, सियासतदान से भी, कि खुदा का नाम है, ताकत को अपने फायदे के लिए मत इस्तेमाल करो, किसके लिए करो, कौमी के लिए। लेकिन वो करता किधर है, अपने फायदे के लिए। तो लिख लीजिए कि जब ताकत का इस्तेमाल, रियासत का इस्तेमाल किसके लिए हो, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए हो, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए हो, तो ऐसा रियासत का तस्वुर ए मॉरल कंसेप्शन ऑफ स्टेट कहलाता है, जो गुड और बैड की डिबेट से क्या है, बाहर, जो गुड और डिबेट अपने बैड की डिबेट से बाहर है। बात समझ आ रही है आपको? ठीक, तो ये दो मॉडल्स हैं। अब याद रखिएगा, भूलना नहीं है, इन दोनों का पर्पस सेम है। पर्पस क्या है कि सोसाइटी में क्या मेंटेन करा के रखना है, ऑर्डर मेंटेन करा के रखना है, वो जो आपने जितने भी वर्ड्स बोले थे, डिसिप्लिन मेंटेन करा के रखना है, सोसाइटी को पीस देना है, सोसाइटी के लिए एक ऐसा माहौल बना के रखना है जहां लोग क्या रह सके, खुश हो खुरम रह सके, अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके। लेकिन रास्ते दो हैं, एक इखलाकियात का रास्ता है और एक इखलाकियात से बाहर का रास्ता है। डन हो गई बात? अगेन मजे की बात लिख रहे हैं, प्लेटो आएगा, आपसे प्रॉमिस किया था ना कि कुछ चीजें फिलोसफर पढ़े बगैर ही इंसान को पता लग जानी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो प्लेटो की जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो उधर बड़ा सारा लिखा होगा, प्लेटोज डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज एथिकल स्टेट, प्लेटोज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज मॉरल स्टेट। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए ना, परेशान ना हो। एरिस्टोटल पढ़ोगे आप, वो कहेगा एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कंसेप्शन ऑफ स्टेट क्या है, मॉरल स्टेट है, एथिकल स्टेट है। आपने एक फिलोसफर पढ़ना है, मैकियावेली, नाम तो सुना होगा अक्सर, मैकियावेलियन पॉलिटिक्स वर्ड भी यूज होता है, अभी पढ़ा तो नहीं है, बट पहले ही दिन ही क्लैरिटी ले आइए कि वो रियासत का जो मॉडल पेश करेगा उसका गलत और सही से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये किस कैटेगरी में आ गए, ए मॉरल कंसेप्शन ऑफ स्टेट, और ये किस कैटेगरी में आ गए, मॉरल कंसेप्शन। सही, जो उन्होंने कहना है वो तो हम पढ़ा करेंगे ना हर लेक्चर में, लेकिन किस चीज के बारे में कहना है, ये इसका ताल्लुक कॉन्सेप्ट के साथ है, जो कि हमने फोर फ्रंट क्या कर लिया आज।
आपसे भी ज्यादा मैं कर सकता, लेकिन एनीवेज कोई मसला नहीं है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन हो गया जी, तो कल इंशाल्लाह फिर 5 बजे मिलते हैं, ठीक है। और इसी चीज को आगे, कोई रीडिंग नहीं करनी, ये जो आप लोग मुझे पहली क्लास में आके फिल्म डालते ना, रीडिंग बता दे, रीडिंग कोई रीडिंग नहीं करनी, 2-3 दिन आपने चिल करना है बस। ये जो पढ़ाया है प्लीज इसको 2 दफा 4 दफा 6 दफा रट्टा नहीं लगाना, ले मैन की तरह अपने आप से पूछने कि क्या यार ये जो बातें हम कर रहे हैं क्या ये मेरी लाइफ के रेलिवेंट हैं या नहीं। तो अगर कल तक आपको लगे कि ये बातें क्या हैं रेलिवेंट है, इसका मतलब अब आपका ये बहाना खत्म हो चुका है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो आज पढ़ा है इसी के ऊपर रोज ऊपर हमने क्या करते जाना है, बिल्ड करते जाना है, ठीक है। तो बस अभी जो है वो आप अपना चिल करें, इंज॑ॉय करें, ठीक है, और ये लेक्चर 2-3 दफा रिवाइज करके आए। क्लियर हो गया जी, थैंक यू। अच्छा जी, किसी बच्चे का कोई सवाल हो जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी सेकंड फाउंडेशनल क्लास फॉर पॉलिटिकल साइंस। और आई एम श्योर कि जिन बच्चों ने घर जाके कल का जो लेक्चर है उसको थोड़ा इंटरनलाइज करने की कोशिश की है, उसको थोड़ा उसके साथ थोड़ी अपनी जो एक्वेंटेंस है वो बनाने की कोशिश की है, तो उन लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जी कि पॉलिटिकल साइंस में हमें किस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ हमारा वास्ता पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में बज़ाहिरन जो नज़र आने वाला सिलेबस है उसमें जो ना नज़र आने वाली एंगल्स हैं या डिबेट्स हैं वो क्या हैं, उन पर हमने बात की और कोशिश की कि कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी बैकग्राउंड से आया है उसको वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिले जी, वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से मिले कि आपके लिए सब्जेक्ट के साथ अपना दिल लगाना, सब्जेक्ट के साथ अटैच होना, सब्जेक्ट के साथ अपनी डे बाय डे जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज करना, इनहेंस करना, ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना रहे, ठीक हो गया। आज उसी चीज को हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और आज कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो एज अ लेमैन हम रोज सुनते भी हैं, यूज भी कर लेते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक किसके साथ है, पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसे और सोशल साइंसेस के साथ ओवरऑल कैसे, वो डिस्कस करेंगे, ताकि अगेन आप जब अपना सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ना शुरू करें तो आप एक अच्छी पोजीशन पर खड़े हों, आप एक अच्छा जो अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल है उसमें पढ़ रहे हो, ना कि आप ऐसे पढ़ रहे हो कि आपको लगे कि यार ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही क्या है, एक एक नई चीज है और मैं तो इसमें मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है और इसमें जो है मेरा कोई वो नहीं है, एक, एक, एक मेरा कोई आगे फ्यूचर ही नहीं है कि जी मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। ये बड़ा जरूरी है, कोई भी सब्जेक्ट जो आप रखते हो उसमें आपका एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो तब बिल्ड होना शुरू होता है जब आप उसके बेसिक्स के ऊपर क्या लेते हैं, कमांड लेना शुरू करते हैं, फिर आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। चले जी, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं आज की जो क्लास है उसमें हमारा एजेंडा सुन लीजिए। एजेंडा ये है कि हम कुछ क्या कर रहे हैं, बेसिक वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जिनका ताल्लुक जो हमारे काम आएंगे पूरे 2 माह जब तक हमारा ये सेशन चलता रहेगा, वो चीजें हमारे काम आती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा ये सारे बाइनरी कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट में 2 चीजें, एक उसका एक पार्ट है और एक उसका दूसरा पार्ट है, तो इनको आप 2 भी कह सकते हैं या बाइनरी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। नंबर 1 जी, सबसे पहले हमने जिस चीज पर बात करनी है वो बात करनी है नेचर वर्सेस नर्चर। ये 2 वर्ड्स हैं जो आपको काम आएंगे
स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, आज मैं और आप जिस हालत में यहां बैठे हैं, जिस तरह भी हम ग्रो करके बड़े हुए हैं, जो भी हम हैं, जैसा भी हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो दो फैक्टर्स की वजह से हम ऐसा करते हैं। दो फैक्टर्स की वजह, कुछ हमारे अंदर वो चीजें हैं जो हमारे अंदर इनहेरेंट हैं, जो हमने किसी से मुआशरे से सीखी नहीं है, ठीक है, जो चीजें बायोलॉजिकली जब हम पैदा हुए वो जो बॉडी दुनिया में सामने आई, सर आपने कोशिश करनी है कि 5 बजे से पहले आने, ये मैं हर सेशन से पहले ही खैर कहता हूँ, ऑनलाइन वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किए, ठीक है, कोशिश करें थोड़ा सा ना टाइम को आपने जी। तो हमारे अंदर क्या है, कुछ वो क्वालिटीज हैं, कुछ वो बिहेवियर्स हैं जो हमने कहीं से अडॉप्ट नहीं किए, सीखे नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर क्या है, इनबिल्ट है। और ये मेरे अंदर या आपके अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो भी शख्स ह्यूमन बीइंग की क्या है डेफिनेशन को पूरा करता है, उसके अंदर कुछ ऐसे एटीट्यूड्स हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, कुछ ऐसे रवैये हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो वो क्या करता है, इनहेरेंटली अपने अंदर क्या करता है, कैरी करता है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर ये यूनिवर्सल है, यानी कि जो चीज मेरे लिए ट्रू है वो फिर आपके लिए भी ट्रू है, और जो आपके लिए ट्रू है वो बाकी दूसरों के लिए भी क्या है, ट्रू है। और ये पाकिस्तान, इंडिया, जापान, कनाडा से फर्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है कि आप इंसान हैं या नहीं है। और पता है क्या बात है, ये वर्ड जो है ना फितरत या नेचर, ये 2-3 और चीजों से भी रिलेट करके देख लीजिए ताकि जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, और बढ़ जाए। बायोकेमिस्ट्री बेसिक साइंस जो लोग पढ़ के आए वो बताएंगे कि जो यूनिवर्स है जब आप इसको स्टडी करते हो, क्या उसके अंदर आपको ऐसी कोई चीजें मिलती है जो आपको लगता है कि ये किसी इंसान ने तखलीक नहीं की, ये क्या है, ये इनबिल्ट है, ये इनहेरेंट है। जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी इंसान ने सिर्फ डिस्कवर की है, इंसान ने ईजाद नहीं की, पहिया इंसान ने ईजाद किया, डिस्कवर जो ग्रेविटी है वो इंसान ने सिर्फ और सिर्फ डिस्कवर की है, इंसान ने उसको कोई तखलीक नहीं किया, ठीक है। इसी तरह और बड़ी सारी चीजें, आप प्लांट्स को पढ़ते हो, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी फितरत है। इसी तरह एनिमल्स को आप पढ़ते हो, वो बहुत सारी बातें किसी स्कूल में जाए बगैर, किसी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बने बगैर वो अपने अंदर क्या रखते हैं, कैरी करते हैं। भूख का लगना, नींद का आना, हमारे डीएनए में इनहेरेंट जो चीजें हैं वहां से आई, इसको कहते हैं ह्यूमन नेचर। लेकिन सिर्फ नेचर नहीं है, जैसे ही आप अपने पेरेंट्स के घर पैदा हुए, उसके फौरन बाद जिस तरह के इन्वायरमेंट में आपने जन्म लिया, उस इन्वायरमेंट ने आपके ऊपर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। आप किस तरह की फैमिली में पैदा हुए, कौन से रिलीजन में हुए, कौन सी क्लास में हुए, कौन सी कास्ट में हुए, कौन से कल्चर में हुए, आपकी नेशनैलिटी क्या थी, आपकी कलर क्या था, आपकी रेस क्या थी, वो तमाम, आप एजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड थे, वो तमाम चीजें फिर आपके ऊपर क्या होना शुरू हो गई, असरअंदाज होना शुरू हो गई। तो ये जो सोसाइटी का पार्ट है, जिसको हम इन्वायरमेंट का पार्ट कहते हैं, जो सोसाइटी या कल्चर हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज क्या है, ये नर्चर है। अब इसका रिलेशन बना लीजिए कि ये हमें काम कैसे देगी, जैसे कि मैंने, आप कहेंगे ना कि आपने शुरू में बात की कि सारे कॉन्सेप्ट आगे चल के हमें मदद देंगे, तो लिख लीजिए कि जो भी पॉलिटिकल फिलोसफर आएगा, जी जो भी फिलोसफर आएगा, वो अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट, याद है कल बात हुई कि जिस फिलोसफर ने भी आने, उसने देना क्या है,
थ्योरी ऑफ स्टेट देनी है, स्टेट का एक मॉडल पेश करना है कि मेरे करीब रियासत ऐसी होती है। तो इफ यू रिमेंबर माय डेफिनेशन ऑफ पॉल साइंस इज कि इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड स्टेट, बना वो थ्योरी ऑफ स्टेट रहे। पहला सवाल जिसका वो जवाब देगा आप लोगों को, रीडिंग करोगे खुल के बाहर आ जाएगा, और वो क्या कहेगा, पहले कहेगा कि लेट्स अंडरस्टैंड कि इंसान क्या होता है, इंसान की फितरत क्या होती है, इंसान का, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, इंसान का साइकोलॉजिकल मेकअप क्या होता है, इंसान बना किस चीज से, हु ही और शी इज। ठीक है, तो ये जो बात है ये वो किसकी कर रहा होगा, ह्यूमन नेचर की। अब ह्यूमन नेचर इंसान की कर रहे हो ना, इंडिविजुअल की, इसके ऊपर बिल्ड करनी है उसने कौन सी थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्टेट की। तो यू गॉट द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, क्लियर होगी बात। तो ये पहली डिबेट है जी। अब जिन बच्चों के सोशल साइंसेस हैं बाकी सब्जेक्ट्स, और जिन्होंने अभी पढ़ने हैं या इवन जिन्होंने पढ़ लिए हैं, वो कहेंगे सर ये तो क्रिमिनोलॉजी में भी डिबेट है, ये तो सोशियोलॉजी में भी है, ये तो जेंडर में भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल साइंसेस के साथ ये जो आपकी दो तीन क्लासेस है ना, ये आपको इतनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दे देंगी ना कि आप किसी भी सब्जेक्ट में फिर जाएंगे ना, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। क्रिमिनोलॉजी में क्या इसकी डिस्कशन होती है कि क्राइम जो इंसान करता है क्या वो फितरत में है या मुआशरे से क्या करता है, लर्न करता है। ठीक है, जेंडर में जाओगे तो बस ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि जनाब जो औरतों और मर्दों में फर्क है क्या ये फितरी इनहेरेंटली डिफरेंसेस है या सोसाइटी इन डिफरेंसेस को क्या करती है, क्रिएट करती है। सही, तो ये इसी तरह फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपके ये चीज काम आएगी। तो ये आपने माइंड में रखने, नेचर वर्सेस नर्चर। और ये लिख लीजिएगा कि ये इनहेरेंट है और ये क्या है, ये अक्वायर किया जाता है, ये लर्न किया जाता है जी, ये लर्न किया जाता है, सीखा जाता है, सोसाइटी से लिया जाता है। दूसरी जो जी बाइनरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ने, जो पोल साइंस में हमारी बहुत मदद करेगा, वो है ऑल्ट्रुइज्म वर्सेस ईगोइज्म, ऑल्ट्रुइज्म वर्सेस ईगोइज्म। नाम पर नहीं जाना, नाम थोड़े मुश्किल भी लग सकते हैं ना, वर्ड पहली दफा सुना है बंदा थोड़ा घबरा जाता है कि व्हाट इज ऑल्ट्रुइज्म एंड व्हाट इज ईगोइज्म। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। दो तरह के रवैये इंसान में और आप दिखाते हैं। एक रवैया वो रवैया होता है जिसको हम सेल्फिश रवैया कहते हैं, जिसमें हम अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और उसके लिए हम कलेक्टिव फायदे का नुकसान भी करना चाहें तो हम गुरेज नहीं करते। हम हजार बंदे का फायदा पीछे करते हैं और अपनी जात का जो फायदा है उसको पहले नंबर पर लेकर आते हैं। तो ऐसे रवैये कहलाते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ईगोइज्म। ठीक है, हेट्रेड करना, जेलसी करना, ठीक है, एनवी करना, ठीक है, कत्ल करना, चोरी करना, डाका मारना, दूसरों के हक को क्या कर लेना, स्नब कर लेना, ठीक है, ये तमाम चीजें किस में आएंगी, इगोइस्टिक बिहेवियर्स में। कोई और भी है? हाँ जी सर, पूरे टाइम पे है ना, थोड़ा नहीं हुआ है, आप काफी हो गए हैं। इतनी दफा तो आपको पता है गाड़ी की ब्रेक लगे तो गाड़ी जवाब दे जाती, और वो होती भी मैकेनिकल है, उसका मूड नहीं ना खराब होता, क्योंकि वो तो चाबी पे चलनी है, चाबी पे चलाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो बंदा तो आपको पता है ना, बंदा तो मशीन की तरह नहीं है ना, मैं थोड़ा सा रिदम बनाता हूँ फिर एक बंदा आ जाता है, थोड़ा सा रिदम बनाता हूँ फिर एक बंदा आ जाता है, ब्रेकर आ जाते हैं, तो ब्रेकर अच्छे नहीं होते। टाइम जो है ना, इसको थोड़ा कोशिश करें, ख्याल करें जी, क्लियर होगी बात। तो कौन से रवैये हमारे जिसमें हम लोगों से नफरत का इजहार करते हैं, जेलसी करते हैं, दूसरों के हक पर डाका मारने की कोशिश करते हैं, और मॉरली हम सेल्फिश या सेल्फ इंटरेस्ट का जो बिहेवियर है उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसे रवैये कहलाते हैं इगोइस्टिक। और दूसरी तरफ इंसान सेल्फलेस बिहेवियर भी शो करता है, इंसान ऐसे भी काम करता है जिसमें वो अपने जाती फायदे को
इज्तमाई फायदे के लिए क्या करते हैं, कुर्बान करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, चैरिटी भी करता है, डोनेशन भी करता है, दूसरों की मदद भी करता है, ठीक है, और ऐसे काम भी सोचता है और करता है जिससे उसका सिर्फ जाती फायदा ना हो रहा हो बल्कि पूरी क्लास का, पूरे मोहल्ले का, पूरे मुल्क का, ओवरऑल जिसको हम इज्तमाई बिहेवियर कहते हैं वो करने की वो क्या रखता है, सलाहियत रखता है। तो ये दो चीजें पता है क्या है, इनको आप जोड़िए कि इंसानी फितरत दो हिस्सों में तकसीम है, ऊपर वाली बात नीचे वाली बात से क्या होगी, कनेक्ट होगी। तो नेचर दो तरह की हो गई, एक कौन सी आल्ट्रुइस्टिक और एक कौन सी हो गई एगोइस्टिक, सही। तो ये चीजें भी इंसान में होती है, मुझ में और आप में है, और ये वाला जो रवैया ये भी कोई बाहर की बात नहीं हम कर रहे, ये दोनों तरह के जो इंसान में रवैये, ये इंसान इनको एग्जिबिट करता ही करता है ना जी, हमारे में भी और आप सब में है, वेरीफाई कर रहे हैं। अब मजे की बात क्या है, मैंने पहले कहा था कि कोई फिलोसफर आएगा वो पहले किसका तज्जिया करेगा, इंसान की फितरत का, और जब वो तज्जिया करके थक चुका होगा ना, वो कंक्लूजन पता है क्या निकालेगा, इन दोनों में से कोई एक, या वो इंसानों को रैंक करेगा एक इगोइस्टिक सेल्फिश एनिमल, ठीक है, और या वो इंसानों को रैंक करेगा एक आल्ट्रुइस्टिक मॉरल और एक कलेक्टिव इंटरेस्ट को परसू करने वाला एक रैशनल जो एनिमल है उसके तौर पर ट्रीट करेगा। सर अडॉप्ट तब करेंगे ना आप जब आपके अंदर कुछ चीज होगी, तो उसी को सीखेंगे ना, कई जगहों पर ये कमजोर होता है, कई जगहों पर ताकतवर होता है। नहीं सिर्फ नेचर की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि नेचर में है नहीं। सर अभी हम पढ़ रहे हैं नेचर को, क्या नेचर में ये दोनों चीजें हैं या नहीं है? है बस अभी इतनी बात है, वो ऊपर क्या बनेगा वो बात की बात है, क्लियर होगी बात जी। तो इंसानी फितरत जो है वो आल्ट्रुइज्म और इगोइज्म में, लेकिन उसकी बजाय मैंने एक और वर्ड भी यूज किया है कि हमारे जो रवैये हैं, हमारा जो एटीट्यूड है वो दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है, आल्ट्रुइस्टिक और इगोइस्टिक। चैलेंज नंबर 3, बिल्कुल इसी के साथ ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, पहले वो पढ़ लेते हैं, कल भी डिस्कस हुआ, एक वर्ड हम बोलते हैं मॉरल और एक वर्ड हम बोलते हैं ए मॉरल, और मॉरल की कल मैंने आपको डेफिनेशन भी दी कि जब इंसान राइट और रॉन्ग दायरे में रह के सोचता है, अपने लिए कोई अखलाकी स्टैंडर्ड बिहेवियर मुतय्यन कर लेता है तो वो उसका बिहेवियर क्या है, मॉरल है, और जब इंसान गलत या सही की बहस से बाहर निकल जाता है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, ए मॉरल है। अब इसको थोड़ा सा इसी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लीजिए कि राइट और रॉन्ग इंसान कब सोचता है, जब वो ये सोच रहा हो कि यार इससे किसी और का नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कि अब चोरी करने से पहले सोचेंगे ना कि वो जिसकी मैं चोरी कर रहा हूं वो भी तो जरूरतमंद हो सकता है, वो भी तो गरीब आदमी हो सकता है, हो सकता है उसके पास ये आखिरी चीज हो जिसको मैं चुरा के क्या कर रहा हूं लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब है जब इंसान कलेक्टिव इंटरेस्ट में सोचता है, दूसरों को भी कंसिडर करता है, ठीक है, तो वो क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को एग्जिबिट करता है। और जब इंसान को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि उसके पीछे चल क्या रहा है, उसके पीछे उसका सेल्फिश बिहेवियर चल रहा है, सेल्फिश सेल्फ इंटरेस्ट चल रहा है, तो फिर फर्क क्या पड़ता है, चोरी करके पूरा हो जाए, डाका मार के पूरा हो जाए, किसी को धोखा दे के पूरा हो जाए, झूठ बोल के पूरा हो जाए, किसी तरीके से भी पूरा हो जाए, उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी आसान और सादा मिसाल है कि आप सड़क पर चल रहे हैं, अब आपको कुछ पैसे जो है वो गिरे हुए मिले हैं, अब आपने वो पैसे उठाने हैं या नहीं उठाने, वहीं से मोरालिटी की डिबेट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और कौन सा सवाल आप पहले अपने आप से करेंगे पैसे देख के यार मैं इसको उठाऊं, या अगर आप ये कहोगे कि मुझे उठा लेने चाहिए तो आप कोई दलील लाओगे, वो दलील क्या होगी कि यार कोई और देख भी नहीं रहा मैं नहीं उठाऊंगा तो कोई
और उठा लेगा, मुझे जरूरत भी बड़ी सख्त है। और चौथी चीज ये कि कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा क्लेम कर रहा हो कि ये मेरे पैसे और मैं फिर उससे छीन के लेके जा रहा हूं, तो इंसान अपने दिल को समझा के वो काम कर लेता है। लेकिन एक ऑपोजिट रवैया भी तो आता है ना कि नहीं यार ये चीज जो है ये मेरी है ही नहीं, जब मेरी है ही नहीं तो फिर मेरी इस पर मलकियत भी नहीं बनती, ये एक गैर अखलाकी अमल है। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ कि ये इस जगह पर जी मैं खड़ा हूँ, ये इतने पैसे या वॉलेट मुझे मिला है, ये जिस बंदे का भी है ये जैसे भी है आप आगे खुद रख लें, वो एक अलग बात है ठीक है, लेकिन जो भी कर ले, लेकिन मैं इसका रवादार नहीं हो सकता। ये छोटी सी मिसाल हम सब की जिंदगी में है, समझिए जब आप ये इस तरह की सिचुएशन में कभी भी स्टक हो जाए तो उस टाइम समझ लीजिए कि आपके अंदर कौन सी डिबेट शुरू हो चुकी है मोरालिटी की, कि आप गलत और सही को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना सेल्फिश इंटरेस्ट क्या कर देंगे, सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, और जब आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आपने कहा जी मसला ही कोई नहीं है ना, ठीक है ब्रेक तो लगानी है ही नहीं ना, जो कुछ भी होता है जहां जहां से भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह करके पकड़ दे जो ठीक है, और उससे अपनी जो जात है अपना जो सेल्फ है अपनी जो सेल्फिश इंटरेस्ट है उसको क्या करते जो बढ़ाते जो उसको मीटअप करते जो। अब अगेन इस चीज का क्या ताल्लुक है पॉलिटिकल साइंस के साथ, कल मैंने बताया स्टेट्स के दो मॉडल हैं, एक एथिकल स्टेट और एक नॉन एथिकल स्टेट, या एक मॉरल स्टेट और एक स्टूडेंट्स, वो बात सिर्फ कल आपको मैंने ऐसे ही बस बता दी। उसके पीछे असल गेम ये है कि बंदा होता है या मॉरल और या अमॉरल। तो जो भी फिलोसफर आएगा वो पहले ये भी डिटरमिन करेगा कि इंसान एक अखलाकी चीज भी कोई है या अखलाकी चीज नहीं है, उसकी बुनियाद पर फिर वो बनाएगा एक अखलाकी रियासत और एक अमॉरल या जो एक ऐसी स्टेट जिसका पॉलिट उसके साथ मोरालिटी और एथिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहने का मकसद है कल जो चीज स्टेट लेवल पर डिस्कस की थी उसी को हम किस लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है कि मैं भी मॉरल हो सकता हूँ एक एज अ पर्सन और अमॉरल भी हो सकता हूँ और हम सब हो सकते हैं ना, ठीक है। और इसी तरह फिर कल को जो स्टेट्स बनेंगी वो भी क्या होंगी, कुछ मॉरल होंगी और कुछ मॉरल से बाहर होंगी, उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता होगा। डन होगी बात जी, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 4, ये मैं साथ रिलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है ना ये जस्टिफाई होता हुआ नजर आए, कि ये वर्ड पहले दिन पढ़ लेना ज्यादा बेहतर है बजाय कि जब वो फिलोसफी पढ़ते हुए आप ये पढ़े तो फिर आपको तो इन वर्ड्स के मीनिंग तो पता ही नहीं है, तो फिर आप परेशान भी होते हैं जी। नंबर 4, चौथी चीज ये है जी रीजन वर्सेस इमोशन, रीजन वर्सेस इमोशन। ये जी हम सब की लाइफ का ना बड़ा ही प्रैक्टिकल एक कॉन्सेप्ट है जो हम मैं आप डेली रोजमर्रा के कामों में क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इमोशंस की, पहले तो ये तस्लीम कर लीजिए या मान लीजिए कि क्या इंसान के अंदर इमोशंस हैं या नहीं है, हैं क्या इंसान के अंदर नफ्सियात नामी कोई चीज है या नहीं है, है क्या इंसान इन इमोशंस को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करता है या नहीं करता, क्या ये इमोशन सिर्फ एक ही तरह के हैं या मल्टीपल हैं, मल्टीपल हैं खुशी के भी हैं गमी के भी हैं, ठीक है दूसरों को मार के प्लेयर लेने के भी हैं दूसरों से बच के भी प्लेयर लेने के हैं, ठीक है खुशी गमी नेकी बदी हर तरह के इमोशन जिस तरह का बाहर मौसम होता है इंसान के अंदर उसी तरह के जो जज्बात है वो क्या होते हैं, ठीक है वो भी मौजूद होते हैं। वो एक शेर है ना कि जैसा मौसम होता है वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है, जैसा मौसम होता है वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। ये अंदर का मौसम क्या है, ये आपके अंदर के क्या है, जो एक बंदे की लड़ाई होगी अभी किसी से, ठीक है बाहर बारिश हो रही है, एक बंदा उसको कह रहा है जानी चेक करो कितना जबरदस्त मौसम है, उन्हें कहना है तेरा बेड़ा गर्क हो जाए दफा हो जाए यहाँ से, ठीक है क्योंकि उसके बेचारे की अभी ताजा ताजा क्या हुई है लड़ाई हुई है, एक बंदा है वो गर्मी में मर रहा है बाहर, ठीक है बहुत ही उसकी वो तप लगी हुई है, और एक बंदा है उसकी अभी अभी लॉटरी लगी है,
ठीक है, आप उसको आके कह रहे हो यार बहुत गर्मी है आज ना बहुत गर्मी, उसने कहना है यार चुप कर जो क्या गर्मी है, इधर तो इतना मजेदार मौसम चल रहा है, ठीक है अभी आपके भाई ने जो है वो जो, तो बात करने का मकसद क्या है कि इंसान मुख्तलिफ ओकेजन पर मुख्तलिफ तरह के जज्बात शो करता है। ये असल बात नहीं थी, असल बात यह है कि जज्बात की डेफिनेशन क्या है। जब आप कहते हो कि मैं जज्बाती हो गया था या हो गई थी, तो जज्बात ऐसा क्या करते हैं कि हम लार्जली इनको नेगेटिवली परसीव कर लेते हैं। तो पहली चीज लिख लीजिए, जज्बात की डेफिनेशन ये है कि ये इंपल्सिव होते हैं, इंस्टिंक्टिव होते हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होते। बड़े रेयर लोग हैं जो सोच लेना कि मैंने रोना है दो मिनट बाद तो वो रो लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो 99% लोग हैं उनको जब तक कोई ऐसा सीन कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी तो उनके लिए रोना, लेकिन जब वो होगा तो वो नेचुरली हो जाएगा। तो इमोशन इंस्टिंक्टिव है, इंपल्सिव है, इसमें सोच इन्वॉल्व नहीं होती। इमोशन कहते ही इसको है, जिस चीज में सोच आ गई वो तो अकल के दायरे में आ गई। क्यों जी, जज्बात जो होते हैं और ये क्विक होते हैं, रिपल्सिव होते हैं, फौरन निकलते हैं, क्विक होते हैं। क्या आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कोई 2-4-5 फैसले ऐसे लिए हैं जिसको आप कहते हैं आज भी कहते हो कि ये मेरे जज्बाती फैसले थे? चले 4-5 नहीं तो कोई एक आधा तो लिया ही होगा, अगर नहीं लिया तो फिर आप बारीक से आए हुए हैं, ठीक है ठीक है। एक आधा काम तो ऐसा हो जाता है इंसान से, ठीक है। तो याद रख लीजिए, वो एक काम हुआ होगा या 10 हुए होंगे, उनमें एक चीज कॉमन होगी, आपको लगा होगा कि आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब है जो जज्बात होते हैं ना, ये लार्जली डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस भी हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। अब इसका जी, इसका हमारे पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ताल्लुक है? आधे फिलोसफर आएंगे, वो कहेंगे कि इंसान एक बड़ा समझदार, रैशनल सोच और अकल रखने वाला बंदा है, शऊर है इसके पास, और ये चीजों को एनालाइज करने की क्या करता है, कैपेसिटी रखता है। आधे लोग आएंगे वो कहेंगे नहीं, इस बात को हम तस्लीम ही नहीं करते, बल्कि इंसान क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ पैशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ इमोशन, ये एक इमोशनल क्रिएचर है, कोई इसका ताल्लुक जो है वो अकल और शऊर के साथ नहीं है। ही और शी इज द प्रोडक्ट ऑफ पैशंस, इमोशंस, जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ये आप अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखिए। आप में से वो शख्स जो बड़ा ही अकलमंद आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, बाशऊर आदमी है, मैं उसके सामने ये कहूं कि वोट जो है वो मजहब के नाम पर देना चाहिए, तो वो कहेगा कि नहीं, ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब आप ये सुनते हो कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग किस बुनियाद पर वोट दे देते हैं, या रिलीजियस कार्ड, मजहबी कार्ड जिसको आप कहते हो, वो पाकिस्तान में बड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, इस्लामिक टच जिसको आप कहते हैं वो ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है, वो किस तरह के लोगों पर ज्यादा एप्लीकेबल होता है? आप पोल स्टूडेंट तो नहीं हो अभी पोल साइंस के, अभी तो आप डिग्री करके आए हैं ना, कॉमन सेंस बेस्ड पूछ रहा हूं, किस तरह के बंदे के ज्यादा चांसेस है कि वो इस तरह की किसी भी कैंपेन का विक्टिम बन जाए, या मजहबी कार्ड का क्या बन जाए, विक्टिम बन जाए? कौन सा बंदा होगा, उसका मेंटल अपरेटस क्या होगा? क्या वो एक रैशनल पर्सन होगा या वो एक इमोशनल पर्सन होगा? इमोशनल होगा। तो फिर आपको समझ आ गई कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, रिलीजन कार्ड का, पॉपुलिज्म का, और बड़े सारे टॉपिक पढ़ेंगे, या कुछ फिलोसफर है इटसेल्फ, वो खुद आके कहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने इंसान को क्या डिक्लेयर किया हुआ है, रैशनल, इन्होंने बड़ी ज्यादती की है, इंसान रैशनल है ही नहीं, इंसान है ही क्या, ये एक इंस्टिंक्टिव क्रिएचर है, इमोशनल क्रिएचर है, ठीक है। और इसकी जो इम्पल्सिस हैं, जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, आप अक्सर कहते हैं ना मुझे यकदम गुस्सा आ गया था, है वो यकदम जो है ना, उसका मतलब क्या होता है, दरमियान में से कॉमन सेंस और रीजन क्या हो गई थी, माइनस हो गई थी। तो एक एक बंदा है वो इसको इमोशन को पता है क्या लिखता है, कि ये इंसान के अंदर ना जिस तरह ये बिजली में नहीं हो जाता शॉर्ट सर्किट, ये इंसान की जो न्यूरॉन्स है ना उनके शॉर्ट सर्किट होने को क्या कहते हैं,
इमोशनलिज्म कहते हैं, क्योंकि दरमियान में से अकल और कॉमन सेंस क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और आप बड़ी बेसिक सी बुनियादी बात को भी क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, और बाद में आप कहते हैं ओ हो मेरी अकल पर क्या पड़ गया था, पर्दा पड़ गया था, और मैं उस टाइम वक्ती तौर पर क्या हो गया, जज्बाती हो गया। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है अकल। अच्छा पहले ये समझ आ गई कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, थीसिस और एंटी थीसिस है, मुतजाद चीज है ना, अकल और है, अकल की दुनिया और है और इमोशंस की दुनिया और है। अब अकल किसको कहते हैं, चीजों में कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर, ठीक है, चीजों को उनके प्रोज एंड कॉन से देखना, चीजों को मल्टी डायमेंशनल होके देखना, उसकी कॉजेशन ढूंढना, कॉज एंड इफेक्ट को तलाश करना कि ये चीज क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों नहीं हुई। मैं बड़ी आसान आसान एग्जांपल्स देता हूं बच्चों को इस चीज को समझने के लिए। कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई कभी करंट लगा के चेक किया हो कि ये जो बिजली के खंबे की तारें होती हैं इनमें वाकई करंट होता भी है या नहीं होता, कोई ऐसा तो नहीं, अगर होता तो वो इधर ना बैठा होगा, सही है। कोई बच्चा ऐसा जिसने आग पर वाकई कभी बैठ के भी चेक किया हो कि ये गर्म होती है या नहीं होती, समझ आ रही बात, ये क्या है, बेसिक चीज है, कॉमन सेंस है। बच्चे पूछते हैं रीजनिंग क्या है, बाहर बारिश हो रही है, आपने बाहर निकलना है या नहीं निकलना, 99% लोग क्या करेंगे, नहीं निकलेंगे, ठीक है, ये क्या है, ये अकल का इस्तेमाल है। धूप बहुत तेज है, ठीक है, और आप नंगे पैर निकल पड़े, ठीक है, तो ये आप क्या कहेंगे, ये इस बंदे में अकल नहीं है, ठीक है। तो अकल कुछ बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजों में उनको क्या करना, एनालाइज कर लेना, उनके फायदे और नुकसान देख लेना, उनका कॉन्टेक्स्ट देख लेना, उनकी कॉज और इफेक्ट देख लेना कि यार मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं पास नहीं होऊंगा, ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा तो ज्यादा अच्छा कामयाब हो जाऊंगा। ये क्या है, ये सादा सी लॉजिक है, सादा सी कॉमन सेंस है। फिलोसफी में आधे फिलोसफर आएंगे, वो कहेंगे कि इंसान को तमगा देंगे कि इंसान कौन है, एक रैशनल एनिमल है, और आधे लोग आएंगे वो कहेंगे कि इंसान कौन है, इमोशनल क्रिएचर है। और ऑफ कोर्स इंसान दोनों चीजों के का ही मजमू है ना, कहीं ना कहीं हमें जज्बात भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमें अकल भी होती है, बस लड़ाई किस बात की है कि इनमें बैलेंस कैसे लाना है। जिस शख्स में अकल और जज्बात क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, वो तो बड़ा एक अजीम इंसान जो है वो बन जाता है, वो तो एक बड़ा जबरदस्त जो है वो बंदा बन जाता है। लेकिन आपको पता है ना, ये स्ट्रगल का नाम है। अगर इतना ही अच्छा ये बैलेंस होता तो हम सब लोग फिर इम्बैलेंस क्यों होते, क्योंकि बड़ी जगहों पर, आपका तो नहीं मुझे पता, क्योंकि ये सारे जो इल्जाम होते हैं ना, ये मैं अक्सर अपने सर लेता हूँ अपनी क्लास में ना, बच्चे मानते ही नहीं है ना कि हम भी ऐसा करते होंगे, तो मैं कहता हूँ फिर जो भी किया भाई मैंने किया, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा जहां दिल लगाना होता है वहां दिमाग लगा बैठते हैं, और जहां दिमाग लगाना होता है वहां दिल लगा बैठते हैं, और अक्सर उसका नतीजा क्या निकलता है, हादसे की सूरत में, शॉर्ट सर्किट की सूरत में, कभी धुआं निकल आता है, कभी आग लग जाती है, वो डिपेंड करता है ना कि आगे स्विच कितना बड़ा था, ठीक है ना, वो इस्त्री वाला था है या ट्रांसफार्मर वाला था। इस्त्री वाला हो तो थोड़ी सी करंट पड़ती है, बंदा हाथ पीछे भी खींच लेता है, और अगर ट्रांसफार्मर हो तो फिर आपका आप कवा बन जाते हैं ना, आपको साथ लटकना ही पड़ता है, सही है। तो इस उम्र में तो खास तौर पर इंसान को ये अक्सर होता रहता है, दिल की जगह दिमाग और दिमाग की जगह दिल, और काफी अरसे बाद पता चलता है कि ये जो है पॉजिटिव की जगह माइनस वाली तार लगा दी थी और माइनस की जगह पॉजिटिव वाली लगा दी थी। क्लियर हो गई बात, वो मैंने कहा आपको बता दूं ना कि ये कोई पोल साइंस, कोई बाहर की स्टडी नहीं है, ये मेरी और आपकी ही स्टडी है। तो ये दो चीजें मेरे और आपके ही रेलिवेंट है। अब इसको बड़े लेवल पर सोचो, पॉलिटिकल लेवल पर, एज अ वोटर सोचो कि जब एक बंदा तकरीर कर रहा है और तकरीर में वो क्या कर रहा है, वो कोई मजहबी टच लगा रहा है, कोई सुबाइयत का कार्ड खेल रहा है, सिंधी पंजाबी वाली भी तो बड़ी गेम है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। जब हक ना मिल रहा हो तो कहते हैं हम सिंधी हैं, पंजाबी हैं, इसलिए हमें हक नहीं मिल रहा, और जब मिल रहा हो तो उस टाइम अपने ही लोगों का माल हड़प करके तो ऊपर थोड़े से लोग फायदा लेके निकल जाते हैं, और जब वापस आना हो इक्तदार में तो वो वापस किसका नारा लगा देते हैं, पंजाब का, सिंध का, सरायकी का, बलोची का, पश्तून का, ठीक है। तो इसका मतलब है जो अकलमंद लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, वो फौरन डिटेक्ट कर लेंगे कि जानी ये क्या कर रहा है, ये मेरे जज्बात को भड़काने की कोशिश कर रहा है, और मैंने अपना वोट का डिसीजन इस बुनियाद पर नहीं लेना, ठीक है। जब आप अकलमंद होंगे तो आप देखेंगे उस बंदे की पॉलिसी क्या है, उसका रोड मैप क्या है, उसका मंशूर क्या है, ठीक है, वो उसके पास वो चीजें हैं भी या नहीं है, वो कर भी सकता है या नहीं कर सकता, ये इसकी इम्प्लीकेशन है पॉलिटिकल
लेवल पर, ठीक है, ग्रेटर लेवल पर। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बहुत सारी चीजें जिस पर हम ये डिस्कशन कर सकते हैं। डन हो गई बात जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहां पर पांचवी बाइनरी हम पढ़ेंगे, रीजन वर्सेस फेथ या बिलीफ। काइंडली ये वर्ड बताना है आपने, फेथ या बिलीफ क्या होता है, ठीक है। और अगर मजहबी एतबार से सोचेंगे तो जरा जल्दी आप बता सकेंगे। अकीदा, ये तो उसकी उर्दू हो गई ना, अकीदा क्या होता है कि मैं किसी चीज पर क्या करता हूं, मैं चाहे मेरे पास उसका कुछ सबूत है या नहीं है, चाहे वो सच है या नहीं है, जो मर्जी है, ठीक है, मेरी वो लाइफ का क्या है, एक गाइडिंग फोर्स है, हिस्सा नहीं है जी, न्यूक्लियस है। अकीदा जो होता है, जो आपकी आइडियोलॉजी होती है, जो आपका रिलीजन होता है, जो आपका बिलीफ होता है, वो सेंट्रल फोर्स होती है आपकी लाइफ की ना, ठीक है जी। एक ऐसी अजम्पशन, वेरी गुड अबीरा, एक ऐसी अजम्पशन जिसको हम बगैर क्वेश्चन किए भी तस्लीम कर लेते हैं, ठीक है, जब आपके पास उसका कोई एविडेंस ना भी हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कर लेते हो, बिलीफ कर लेते हो जी। कोई और वर्ड ऐड करना चाहे बच्चा आप में से, कि व्हाट इज बिलीफ, व्हाट इज जो है वो आपका जो अकीदा क्या है, आपकी आपकी आइडियोलॉजी क्या है। हाँ जी, अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि बिलीफ हर दफा इरेशनली हो, बिलीफ रैशनल भी हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बिलीफ क्या हो, रैशनल हो। बिलीफ की डेफिनेशन ये है कि वो इसका मोहताज ही नहीं है। व्हेन यू बिलीव, यू बिलीव, दैट्स इट। उसकी कोई कॉज एंड इफेक्ट लाजमी नहीं है कि आपके पास हो। लेकिन दूसरी तरफ कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, रीजन का, और रीजन का तो अभी हमने पढ़ा है कि हमने तो फिर बगैर उसकी इकाइयां मिलाए, उनके दरमियान रिलेशनशिप डिवेलप किए, किसी चीज का सबूत, वो लॉजिक डिवेलप किए बगैर हम उस चीज को हकीकत नहीं मान सकते। तो फिलॉसफी में नोट कर लीजिए, ये क्या है, ये लड़ाई है, ये इन दो कॉन्सेप्ट की क्या है, लड़ाई है। जो फिलॉसफी आपकी 99% वो कहती है कि हर वो चीज जिसका एविडेंस ना हो, हर वो चीज जिसका कोई लॉजिक ना हो, हम उसको हकीकत मानने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ अकल पर या एविडेंस पर नहीं चलती, इंसान की जिंदगी इन दोनों चीजों के साथ साथ अपने अपने अकीदे पर भी चलती है, अपने अपने। और इसका एविडेंस दूं मैं, जितने आप में से मुस्लिम हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उन सबको पता है कि आप बिलीव करते हो कि गॉड इज वन। अभी आपको कहा जाए कि इसका सबूत दीजिए, इसकी फिलोसफिकल, साइंटिफिक, रैशनल, लॉजिकल क्या दीजिए, रीजनिंग कीजिए, तो मेरा ख्याल है शायद कोई इक्का दुक्का लोग जिन्होंने अच्छी स्टडी की होगी, बहुत अच्छी स्टडी की होगी, वो इसका मुकम्मल एक जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। बाकी तमाम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, फेथ वाली में, कि वी बिलीव, सो वी बिलीव। इसके लिए हमें किसी सबूत और एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जवाब ही ये होगा कि अकीदा होता ही वो है जो अकल से क्या हो, मावरा हो। जो चीज अकल के अंदर आ जाए उसकी तो समझ आना शुरू हो जाती है, उसको तो फिर इंसान एक्सप्लेन भी कर सकता है। तो ये बेसिकली लड़ाई किसकी है, मजहब की और अकल की, ठीक है। मजहब वाले जो फिलोसफर आएंगे या ओवरऑल जो सोच आएगी, वो किसको प्रोपोगेट करेंगे, फेथ को, और जो लोग किसके प्रोपोनेंट होंगे, अकल के, वो फेथ को क्या करेंगे, रिग्रेट, क्योंकि उसका कोई एविडेंस और लॉजिक डिवेलप करना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए फिर वो कहेंगे कि इंसान को हर वो चीज सच माननी चाहिए जिसके पीछे क्या हो, और जिस चीज की कोई रीजन ना हो, लॉजिक ना हो, इंसान को ऐसी चीजों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। एक बंदा मुझे आके कहता है जी फलां पहाड़ पे चढ़ने से मेरा CSS हो जाएगा, तो अगर उसका हो जाता है और वो कहते हैं कि मेरा हुआ भी किस वजह से, इस वजह से हुआ है, तो फिर हमें इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि लेकिन इतराज होगा किस बुनियाद पर, कि यार ये चीज ना अकल में नहीं आ रही, दिमाग इसको मान नहीं रहा। तो अकीदे की दुनिया और है और अकल की दुनिया और है, लेकिन फलसफा जो है ये इन दोनों चीजों को साथ साथ
कुछ लोग इधर खड़े होंगे और कुछ लोग इधर खड़े होंगे। तो ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि साइंस की, अकल की और मजहब की लड़ाई बेसिकली है ही किसकी। साइंस हर वो चीज को मानती है जिसका सबूत हो, अकल हर उस चीज को मानती है जिसकी क्या हो, कोई रीजनिंग हो, जिसके अंदर कोई लॉजिक हो, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी हो, और अकीदा हर उस चीज पर मुश्तमिल हो सकता है जिसका कोई सबूत होना जरूरी नहीं है, जिसकी कोई लॉजिक होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए फिर आप लोग ये बाइनरी को भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में याद रखेंगे, क्योंकि जब कोई फिलोसफर आके कहेगा कि जी मेरे आने से पहले तो दुनिया किस पर चल रही थी, फेथ पर, मैंने इंसान को क्या सबक दिए कि किसकी तरफ आओ, तो सिर्फ ये बात चेंज करने से फिलॉसफी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, चले जी, नेक्स्ट जो हमने बाइनरी कॉन्सेप्ट पढ़ने, ये डन हो गए जी, मुश्किल तो नहीं, चले। जी जो नेक्स्ट बाइनरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वो पढ़ना है सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। जी सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी, ये प्लीज बताइएगा ये क्या वर्ड्स हैं, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। जब कोई भी इंसान किसी चीज की तलाश में निकले, सच्चाई की तलाश में निकले, किसी भी चीज का ट्रूथ ढूंढने के लिए निकले, अगर वो हर चीज को अपने अकीदे से, अपने लेंस से, अपने ही पर्सपेक्टिव से देखता रहे, तो ऐसे रवैये को कहते हैं सब्जेक्टिव बिहेवियर, जिसमें आप बायस्ड होते हैं। घर से निकलते हुए आप क्या होते हैं, बायस्ड होते हैं। दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान है। अब ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है या एक रैशनल स्टेटमेंट है, ये एक इमोशनल स्टेटमेंट है। क्या ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है या ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने इसलिए कहा क्योंकि ये आपका क्या है, मुल्क है। अगर ये आपका मुल्क ना हो तो फिर आप इस कंट्री को बेस्ट कंट्री कहने के लिए क्या करेंगे, सवाल करेंगे कि बेस्ट कंट्री की पहले बताओ क्राइटेरिया क्या होती है। तो पता चलेगा जिनकी इकोनॉमी स्टेबल हो, जिनकी पॉलिटिक्स स्टेबल हो, जिनका एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन हो, जिनका हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा बेहतरीन हो, जो कंट्रीज में वो बड़े, जहां पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, जहां पर कोई हेट, एक्सट्रीमिज्म, इनटॉलरेंस, ऐसी चीजें रैम्पेंट ना हो, जहां अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के रेट्स क्या हो, महदूद हो, कम हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मुल्क जो है या क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, बेहतरीन है। तो जैसा कि आप सब पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेरा ख्याल है मुझे इसका आगे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने जितने वर्ड्स आपको बोले हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ठीक है, सब चीजें आप सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन सब में टॉप पे हैं, तकरीबन टॉप पे हैं नीचे से, ठीक है ना। मतलब अब हमारे हालात ये आ चुके हैं कि अब हमारा मुकाबला जो है वो अफ्रीका के कुछ जो थोड़े बहुत नीचे के ममालिक हैं, ठीक है, या जी सोमालिया, और कुछ इंडिकेटर्स में आप अफगानिस्तान और सोमालिया के बराबर जो है वो अब आप आ रहे हैं। हाँ, सोचो में हमें पता क्या लगता है, हमारा दुश्मन कौन है, इंडिया। ओ भाई 100 बिलियन, 150 बिलियन रिजर्व वाले मुल्क का ना, 1 बिलियन की भीख मांगने वाले मुल्क से मुकाबला करना जो है ना, ये उनकी तोहीन है, आपकी नहीं। ये किसकी तोहीन है, उनके। ये ऐसी बात है कि गांव में ना एक 500 एकड़ का चौधरी हो और एक बंदा जो है वो बिल्कुल छोटा मोटा अपना काम करता हो, वो गली में ऐसे ही लोगों को कहता फिरे, तुहानू पता है तुहाडे भाई दी दुश्मनी किहदे नाल है, चौधरी साहब। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? तो हम एज अ कंट्री जो है, जी जी हम 9th पावरफुल आर्मी है इन द वर्ल्ड, जीशान साहब बिल्कुल ऐसा ही है। और तरक्की सिर्फ आर्मी के पावरफुल होने से नहीं होती, तरक्की के बाकी भी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और हालात अब आपके सामने ही है। पिछले 2 साल में 3 साल में हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हर जो पढ़ा लिखा बंदा है, हर वो बंदा जो काबिल है, वो फिक्र में बैठा हुआ है कि यार मैंने यहाँ से फिर रहना है या मैंने यहाँ से भागना है। तो ये वाली सूरत हाल में ना ये बंदे को, तो ये ओपिनियंस क्या है, सब्जेक्टिव ओपिनियंस है, ठीक है। तो इसी तरह हम फिर और भी बड़ी सारी बातें करते हैं ना। मैं एक बच्चों से सवाल भी पूछता होता हूँ कि आप बताइए कि दुनिया में
आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के कायल हैं कि भाई तमाम इंसानों के कुछ बुनियादी इंसानी हकूक क्या हैं, होने चाहिए? तो कौन कौन है? कोई भी नहीं है, सारे ही है। ठीक है, मैंने कहा शायद कोई भी नहीं है ना। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है ना, पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अच्छा, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स के। आप कंफर्म कर लें कि आप हैं या नहीं है, पूछ लें अपने आप से, आखिरी मौका है, फिर बात आगे बढ़ जाएगी। हैं जी, कंफर्म बात है। और आप किन के किन हकूक के कायल हैं? बुनियादी इंसानी हकूक के। चलें, अब आपको मैं छोड़ूंगा, ठीक है, और फिर देखते हैं, आपका टेस्ट करते हैं कि आप किसके कायल। मेरा ख्याल है कि यहूद जो है ना, ज्यूज, उनका और हमारा रुतबा क्या है? बराबर है, और उनके भी वही हकूक है जो हमारे हकूक। अब क्या ख्याल है? ये एक बात आप अगर आप ओपनली सोसाइटी में कह सकते हैं ना, तो फिर तो बड़ी बात है। मेरा ख्याल है आप सबको पता लग गया, रिश्ते में हमारे कजन लगते हैं, पर मसला ये कि 75 सालों में जो रिश्ता हमने उनसे बनाया है ना, वो जो कजनों के साथ ही, तो आपको पता है अव्वल नंबर की दुश्मनी भी होती है। तो ठीक है, तो फिर इधर आके हमारा क्या हो जाएगा? हम कहेंगे हाँ हम इंसानी हकूक के कायल हैं, और ये देखो ना फलस्तीन को भी मारते हैं, जालिम लोग हैं, ठीक है, तो इसलिए हम उनके ज्यादा हकूक के कायल नहीं है। अच्छा, इंडियंस के और पाकिस्तानियों के भी हकूक क्या है? बराबर है, नहीं, इधर भी थोड़ा सा ना मार्जिन क्या कर लें, क्रिएट कर लें। तो करते करते बात कहां तक आ गई कि हम इंसानी हकूक के कायल हैं, नीचे आ गया कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हकूक के क्या हैं, कायल हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान के ही मैं हकूक का कायल हूं, पर जो भी आपका सूबा होगा, जो गेम पंजाब की है ना, वो किसी और की नहीं है। वैसे तो सारे पंजाबी माशाल्लाह आपस में भाई हैं, लेकिन जो गेम मेरे डिस्ट्रिक्ट की है ना, वो किसी और की नहीं है। वैसे तो माशाल्लाह हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट ही क्या है, बड़ा लाजवाब है, लेकिन जो गेम हमारे गांव की है, वो किसी और की नहीं है। वैसे तो पूरा गांव ही आपस में माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त है, पर जो गेम मेरी बिरादरी की है ना, वो किसी और की नहीं है। वैसे तो पूरी बिरादरी हमारी माशाल्लाह बड़ी कमाल है, पर जो गेम मेरी फैमिली की है ना, वो किसी और की नहीं है। और वैसे तो हमारी पूरी फैमिली बड़ी शानदार है, पर जो गेम मेरी है ना, वो किसी और की नहीं है। आपने देखा इंसान कितनी बड़ी फिल्म है। ये पहले कहते हैं मैं इंसानी हकूक का कायल हूं, फिर मजहब या कौम के नाम पर आधे लोगों को माइनस करता है, ठीक है, फिर कहता है पाकिस्तान, फिर अंदर से सूबे के नाम पर, एथनीसिटी के नाम पर बाकी लोगों को क्या करता है, माइनस करता है, ठीक है, फिर ये बात ले आता है किधर, अपने सूबे डिस्ट्रिक्ट तक, उधर से नीचे फिर काटता 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 कहां तक ले आता है, अपने की बात है। ये कौन सा बिहेवियर है? ये सब्जेक्टिव बिहेवियर है, जब आप अपने अलावा किसी और चीज को रियलिटी देखने के काबिल ही नहीं है। आप एक पंजाबी मिलता है सिंधी से, सिंधी मिलता है पंजाबी से, तो वो मिलने के बाद एक दूसरे को कह रहे होते हैं आपस में जाके, यार वो तो पता नहीं चाय कैसे पी रहा था, वो तो कपड़े पता नहीं कैसे बैठे। ये सब्जेक्टिव जजमेंट होती है, जब आप अपनी वैल्यूज के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक जी, आप क्या करते हो, बाकी चीजों को एनालाइज करते हो, ये होती है सब्जेक्टिविटी। और इधर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, किसी भी चीज का इस वजह से सच ना होना कि वो आप कह रहे हैं, बल्कि उसका इस वजह से सच होना कि जो सच्चाई के असूल हैं उनके ऊपर वो चीज क्या उतरती है, पूरा उतरती है। 2 + 2 = 4, ये कोई हिंदू कहे, काफिर कहे, मुसलमान कहे, कोई नेक आदमी कहे, शरीफ आदमी कहे, काला कहे, गोरा कहे, अरबी कहे या अजमी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स के जो बुनियादी असूल है उनके मुताबिक लॉजिकली 2 + 2 को क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव ओपिनियंस। ठीक है, अब इसका हमारी पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है, बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम पॉलिटिकल जजमेंट्स बनाते हैं ना, अपने पॉलिटिकल व्यूज शेप करते हैं, तो हमें लग रहा होता है हम हक के साथ खड़े हैं। हमें लग रहा होता है हम किसके साथ खड़े, हक के साथ खड़े। आजकल पता है ना, मुआशरे में पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि हर बंदा सियासी राय तो रखता है, लेकिन वो इतनी एक्सट्रीम की राय रखता है कि उसको लगता है जो मेरी राय से इख्तलाफ नहीं अपना सॉरी इख्तलाफ करता है ना, वो बंदा तो उसकी तो बख्शिश होने के इम्कान ना होने के बराबर है। वजह पता है क्या है स्टूडेंट्स, हम एज अ सोसाइटी भी बाजुकात पूरी की पूरी सोसाइटी क्या हो चुके होते हैं, सब्जेक्टिविटी का शिकार हो चुके होते, वहम का शिकार हो चुके होते हैं। हम हर चीज में प्रिजुडाइस
बायस ओपिनियन रखते हैं, जो चीजें ट्रूथ को, रियलिटी को, एविडेंस के अगेंस्ट होती हैं, हम उन चीजों को भी मान के तो अपनी जिंदगी क्या कर रहे होते हैं, गुजार रहे होते हैं। भाई एक बंदा आपसे बेहतर है ना, तो तस्लीम कर लीजिए कि भाई इन इन चीजों को देखो तो वो शख्स मुझसे क्या है, बेहतर है, तो आप किधर चले जाओगे। लेकिन इंसान इतनी खतरनाक चीज है ना कि ये कुछ चीजों को रियलिटी मान के भी फिर भी ये क्या कहता है कि नहीं ये बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी जो जात है उसके उससे हट के अलावा किसी और चीज को देखने की सलाहियत ही नहीं रखता, अगर या सलाहियत रखता भी है तो वो देखना ही नहीं चाहता। इसका सादा सी टेस्ट केस आप देख लीजिए, आप अभी किसी सपोर्टर जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से या किसी भी और पार्टी से, PMLN से, तो आप इनसे पूछ लीजिए, ये कहेंगे कि पाकिस्तान की जो बर्बादी है वो इन इनकी वजह से हुई, और तरक्की सारी किधर से आनी है, इधर से आनी है। और इधर से पूछेंगे तो ये तो आपको पता है ना, पहले भी कहते हैं कि हमारे अलावा बाकी तमाम लोग जो हैं वो करप्ट भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, और उनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई भी सकत है ही नहीं, या हम हैं या आप, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए फिर ये सब चीजों के पीछे फिलोसफिकल लेवल पर क्या चल रहा होता है, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी जी। और ये जवाब ने बड़ी अच्छी बात की है, वो कह रहे हैं कि चलिए मैं आपको इसको दूसरे लफ्जों में, दुनिया का ना हर इंसान किसी ना किसी लेवल पर सब्जेक्टिव ही होता है, ऐसा ही है ना, कोई ना कोई तो हमारे अंदर कोई चीज होती है ना जो हमें मोटिवेट करती है किसी चीज को स्टडी करने की। लेकिन अगर ये खतरनाक हद तक बढ़ जाए कि हम बाकी चीजों को बिल्कुल ही क्या कर दें, फारिग कर दें, तो फिर ये एक डेंजरस पॉलिटिकल डिजीज में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फासिज्म का, ये जर्मनी में आया था ये आइडियोलॉजी। जर्मन 1920-30 का जो जर्मनी है ना, वो जेनी तौर पर पता है किस मुगालते में चले गए थे कि हम ना सिर्फ दुनिया की बेहतरीन कौम है बल्कि हम दुनिया की बेहतरीन नस्ल है, और हमारा हक है कि बाकी जो इन्फीरियर रेसेस हैं और इन्फीरियर नेशंस हैं, हम उनकी कुट भी लगाएं और उनकी फेंटी भी लगाएं। वो इतना बाइसनेस में क्या हो गए, आगे चले गए, उसका नतीजा देख लीजिए, World War I भी हुई और World War II भी हुई, और लाखों लोग जो है उस जंगों में मारे भी गए। सही, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने में। नहीं, रियलिस्टिक लाजमी नहीं है ना, रियलिस्टिक मीन्स के आप फिर किस तरह से उसकी बात करें, रियलिस्टिक जिस चीज की एविडेंस हो ना, जिस चीज के यूनिवर्सल असूलों पर आप उसको H2O, तो अब आप इसको जो मर्जी कर लो, ये H2O ने H2O ही रहना है, ये किसी मेरे और आपकी पसंद या नापसंद के नतीजे में वजूद में नहीं आया। जी जी जी, फैक्चुअल अप्रोच है ना, जिसकी जिसकी कोई एविडेंस है, जिसकी कोई लॉजिक है, उसके बगैर जो चीजें हैं वो फिर आपको क्या है, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डन होगी जी बात, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज जो कि हमने डिस्कस करनी है, एक वर्ड है सेकुलरिज्म। हमारे बहुत सारे बच्चे जिनका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं है, वो इस वर्ड का कबाड़ा करते, और अक्सर औकात ये वर्ड उन्होंने सुना होता है किसी मजहबी या किसी कदामत परस्त जो लीडर है उसके मुंह से, कि ये फलां बंदा कौन है, सेकुलर है। और 99% नहीं चले, जितने भी कहेंगे वो बच्चे ये समझते हैं कि ऐसा बंदा जिसको हम सेकुलर कह देते हैं वो कौन होता है, एथियस्ट होता है, यानी कि ला दीन होता है, उसका अल्लाह रसूल के साथ लेना देना कोई नहीं होता, या उसका खुदा के ओवरऑल जो तसव्वुर है, ठीक है, उसके साथ नहीं होता। ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। याद रख लीजिए कि जो सेकुलरिज्म है ये स्टेट लेवल की क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसको आपने हमेशा किस लेवल पर सोचने, स्टेट लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर आपने इसको डिस्कशन नहीं करनी। अब अगला चलते हैं कि ये है क्या, लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक बाइनरी की तरफ जाना है, और उस बाइनरी को कहते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स,
और इस चीज को समझने के लिए हमें एक बात याद रखनी है, और वो ये है कि क्या इंसान की जो पॉलिटिकल लाइफ है, इंसान की कौन सी लाइफ, और एक है इंसान की रिलीजियस लाइफ। आज आपको इसकी ना रूट बता रहा हूं। दो जिंदगी हैं जी इंसान की, एक सियासी जिंदगी और एक मजहबी जिंदगी। एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि जो गॉड है ना, अब यहां प्लीज गॉड मींस जो खुदा का तस्वीर है, नॉट नेसेसरली मुसलमानों का खुदा या हिंदू का खुदा या किसी और का, कि जो गॉड है, जो डिवाइन है, उसको चाहिए कि वो हमारी मजहबी जिंदगी को, तो वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर ही रहा है ना। वो खुदा है ही कौन सी जिंदगी में, रिलीजन में है ना, लेकिन उसको क्या चाहिए कि वो साथ साथ हमारी जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको भी क्या करे, गाइडेंस करे, उसको भी कंट्रोल करे। जो लोग ये चीज पर यकीन रखते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स ये एक ही सिक्के के क्या है, दो रुख है। जब हम चीज को रिलीजियस लेवल पर देखेंगे तो हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल की, और जब हम चीज को पॉलिटिकल लेवल पर देखेंगे तो हम बात कर रहे होंगे कलेक्टिवली। लेकिन चूंकि दोनों में हम किसको मान चुके हुए, लिहाजा पॉलिटिक्स या स्टेट, ये भी वर्ड लिख लीजिए, पॉलिटिक्स या स्टेट, इसका और रिलीजन का कोई फर्क नहीं होगा। पॉलिटिक्स या सियासत के अंदर भी जो गाइडेंस ली जाएगी वो किससे ली जाएगी, डिवाइन से ली जाएगी, मजहब से ली जाएगी। इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। हो सकता है आप बिगिनर हैं, आप कहें जी हमें तो नहीं पता कि इसकी प्रैक्टिकल मिसाल भी है, इसकी प्रैक्टिकल मिसाल लिखिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लिख लीजिए, रेफरेंस दे रहा हूं सिर्फ, आर्टिकल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। और आर्टिकल टू पता है क्या कहते हैं, इस्लाम इज गोइंग टू बी द स्टेट रिलीजन, इस्लाम इज गोइंग टू बी द स्टेट रिलीजन। तो ये कौन सी थ्योरी है फिर पाकिस्तान में, फ्यूजन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स या फ्यूजन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। क्लियर होगी बात, इस्लाम इज टू बी द स्टेट रिलीजन, आर्टिकल टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। डन होगी जी बात, जी 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 सारंग साहब, ये बड़ी आसान सी बात हम कर रहे हैं कि सियासत और मजहब क्या ये अलग अलग होंगे या क्या होंगे, कंबाइन चलेंगे। तो मैं उसमें मिसाल दे रहा था पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो स्टेट तो है ही है, लेकिन वो साथ ये तस्लीम करती है कि हम कौन सी स्टेट है जिनका एक क्या है, मजहब भी, और वो मजहब कौन सा है, इस्लाम, इस्लाम इज गोइंग टू बी द स्टेट रिलीजन। अब जी इसको उल्ट पढ़ेंगे तो फिर ये दोबारा समझ आएगा। एक दुनिया की कोई और स्टेट ले लेते हैं, चाहे इंडिया ले लें, अमेरिका ले लें, बर्तानिया ले लें, कनाडा ले लें, जर्मनी, जापान, दुनिया के बाकी आप तकरीबन सारे मुल्क ले लें, तकरीबन वो सारे के सारे मुल्क पता क्या कहते हैं कि यार स्टेट का और पॉलिटिक्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अब यहां से गलतफहमी जन्म लेती है। गलतफहमी कौन सी, हमें लगता है कि वो मजहब को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, कि भाई हम मजहब से इनकारी हो चुके हैं। और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को एथीज्म के क्या समझा जाता है, बराबर समझा जाता है कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह रसूल से क्या हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं। असल कॉन्सेप्ट ये नहीं है, असल कॉन्सेप्ट ये है कि मजहब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है और पॉलिटिक्स भी। वो कहते हैं कि सिर्फ पता क्या करो, ये इंडिविजुअल है मैं और आप, उसको कहते हैं आपका जो दिल करता है ना, कौन सा अडॉप्ट कर लो, रिलीजन
और रिलीजन का ताल्लुक किससे है? आपके अपने गॉड से। तो लिहाजा आज के बाद मजहब आपका और आपके खुदा का क्या है? जाती मामला है। रियासत उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि रियासत खुद किससे दूर हो चुकी है? रिलीजन से। और उसने रिलीजन के बगैर किसका तसव्वुर बना लिया? स्टेट का। इसका मतलब है स्टेट के फिर दो वेरिएशंस आ गई, एक वो जो स्टेट्स किस बुनियाद पर बनती है, मजहब के नाम पर, और एक वो स्टेट जो मजहब के बगैर बनती है। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि उस सोसाइटी में मजहबी लोग क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आप अमेरिका में चले जाएं, चर्च भी बने हुए, इबादत भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन स्टेट आके नहीं कहती कि दाढ़ी रखी है कि नहीं रखी, नमाज पढ़ी है कि नहीं रखी, या इस तरह की चीजें। उसमें मजहब की बुनियाद पर स्टेट अपने आप को इंटरफेयर नहीं कराती। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, सेकुलरिज्म। डन हो गई जी बात? सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। तो अब इधर एक और फिक्रा भी लिख लें कि जब सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन हो जाती है ना, तो स्टेट प्राइवेट मैटर बन, और सॉरी रिलीजन क्या बन जाता है? किस किस के दरमियान? गॉड के दरमियान और आपके दरमियान। आप नमाजें पढ़ते रहोगे, आपको अल्लाह ज्यादा अजर देगा, आप नहीं पढ़ोगे, आपको सजा मिलेगी। ये आप जानो और अल्लाह जाने। आपका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि स्टेट जो है। अच्छा, अब आपका अगला सवाल ये भी हो सकता है कि सर क्या स्टेट गैर अखलाकी हो जाएगी? भाई मजहब नहीं होगा स्टेट के पास, तो क्या वो स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे जुल्म करना शुरू कर देगी। तो इसकी कॉमन सेंस बेसिस में मिसाल ले लीजिए कि क्या आप अमेरिका, कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस के जो लोग हैं उनकी तरफ से कभी आपको फोन आया कि यार हमारी स्टेट का चूंकि मजहब नहीं है ना, और इन्होंने हमारे ऊपर इतने जुल्म कर दिए कि जानी हमें बचा के ले जाओ यहां से? छोटी सी मिसाल है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लॉ की बुनियाद पर, आईन की बुनियाद पर इंडिपेंडेंटली मुल्क को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। लाजमी नहीं है कि वो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आए। दो फिक्रे हैं ना, सादा से दो फिक्रे लिख लें। तमाम इंसान आजाद और बराबर है। पहला फिक्रा क्या है? तमाम इंसान आजाद और बराबर है। कितनी खूबसूरत लाइन है, तमाम इंसान इक्वल हैं और फ्री हैं। बस इसी के स्टार्ट में एक और फिक्रा लगा लें कि अल्लाह कहता है, गॉड कहता है, भगवान कहता है कि तमाम इंसान आजाद है और बराबर है। एक रिलीजियस स्टेटमेंट है, एक इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन स्टेटमेंट है। हालांकि दोनों यूनिवर्सल है, बातें दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो मगरब ने या जिन कंट्रीज में क्या है सेकुलरिज्म में, उन्होंने यही बात कि तमाम इंसान आजाद है लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने पीछे रिलीजन का वर्ड क्या कर दिया, हटा दिया, यूनिवर्सल चीज को लिख दिया। डन हो गई बात, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या लिखा हुआ है कि ये जो बुनियादी इंसानी हकूक मिले हुए हमें, ये मॉडर्न दुनिया के तो है ही है, लेकिन इस्लाम ये तमाम बुनियादी इंसानी हकूक की क्या देता है, गारंटी देता है, श्योरिटी देता है, ठीक है। और इस्लाम इज गोइंग टू बी द स्टेट रिलीजन। सही हो गया जी। ये बेसिकली हम सीख रहे थे सिर्फ एक वर्ड, सेकुलरिज्म। तो वहां से फिर आपको दो तीन चीजें और भी समझ आ गई कि जिन मुल्कों में ये चीजें क्लब है वहां पर और सूरत हाल है, और जिन मुल्कों में ये दो चीजें सेपरेट है उनको हम, वो ऐसे कंट्रीज क्या कहलाते हैं, सेकुलर कंट्रीज कहलाते हैं, और ऐसी फिलॉसफी या आइडियोलॉजी क्या कहलाती है, सेकुलरिज्म। सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन। क्लियर होगी बात? अब जी ये सबसे अहम वर्ड है जो हमने पढ़ने, वो है पावर। पावर, पावर जी, पावर वर्ड जो है इसकी डेफिनेशन ले लीजिए, अबिलिटी टू चेंज, अबिलिटी टू चेंज जी, अबिलिटी टू चेंज समवन्स माइंड, बिहेवियर एंड थॉट। यानी कि किसी पर अपना असर जो है वो क्या कर लेना, इस्तेमाल कर लेना, किसी की सोच को, उसके काम को,
किसकी तरफ मोल्ड कर लेना, अपनी तरफ मोल्ड कर ले, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस सम, जी एबिलिटी टू चेंज समवन्स माइंड थॉट एक्शन एंड बिहेवियर, ये पावर है स्टूडेंट्स। पावर की दो टाइप्स है, दो इसके एक्सप्रेशंस है, एक एथिकल एक्सप्रेशन ऑफ पावर और एक सेकुलर एक्सप्रेशन ऑफ पावर। एथिक वर्ड पढ़ चुके हैं अब आप, एथिक्स या एथिकल या मॉरल, तो बताइए थोड़ा हेल्प कीजिए अपनी भी। तो इसका मतलब है जब हम ताकत का इस्तेमाल करें किस चीज को सामने रख के, इसका मतलब हम किसका ख्याल कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग का। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि राइट और रॉन्ग से क्या मुराद है, कि जब हम ताकत का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे, कलेक्टिव, वेरी गुड, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करेंगे, तो वो ताकत यानी कि जिसका मकसद क्या होगा, लोगों की फलाह करना, लोगों का फायदा करना। आसान लफ्जों में याद रख लीजिए, हुक्मरान कोई बन गया है तो वो अपनी जो हुक्मरानी की पावर है क्या वो उसको अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या इज्तमाई फायदे के लिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक एट लार्ज, अवाम का फायदा, अवामी मफाद, ऐसी नोशन ऑफ पावर को कहते हैं एथिकल पावर, ठीक। और जो लोग ये कहते हैं कि पावर हैज नथिंग टू डू विद राइट और रॉन्ग, ये कहते हैं पावर इज पावर, पावर पावर होती है, ये गलत नहीं होती और ना ये सही होती है। पावर सिर्फ क्या होती है, पावर होती है, और ये लोग पावर को किस लेवल पर यूज करते हैं, ये अपने जिसके लिए हमारे माशरे में मेजोरिटी करते हैं। जैसे कि अभी आपसे पूछा जाए कि आप CSS क्यों करना चाहते हैं, तो खिदमत करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। लेकिन आपको पता है बाद में हम खिदमत किसकी करते हैं, सिर्फ खुद की करते हैं। तो इसीलिए फिर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो पावर पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है। एक टर्म पड़ी होगी आपने, पावर पॉलिटिक्स, ये लिख लीजिएगा, पावर पॉलिटिक्स। तो पावर पॉलिटिक्स फिर क्या होगी, जब सियासत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए की जाए, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए की जाए, अपने जाती फायदे के लिए की जाए। और मजे की बात पता है कि रास्ते में अगर आपका वास्ता पड़ जाए किससे, एथिक्स से, किससे वास्ता पड़ जाए, मॉरल्स से, किससे वास्ता पड़ जाए, रिलीजन से, तो आपने इनकी बातों में भी नहीं आना। कोई आपको जितना मर्जी कहे कि वादा तोड़ देने से इंसान गैर इखलाकी हो जाता है, अगर आपको वादा तोड़ने से नफा हो रहा है, आपको पावर मिल रही है, तो आपने अकॉर्डिंग टू पावर पॉलिटिक्स आपने अखलाकियात को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देना। जी बात समझ आ रही है। इसी तरह दूसरी चीज, आप किसी बंदे को छुरी फेरने लगे थे, आपको एक हदीस याद आ गई कि जिसने किसी बेगुनाह का हक खाया उसने पूरी इंसानियत का क्या किया, हक खाया। तो आपने उस टाइम इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि आपको वाजे नजर आ रहा है कि 5 मरले जमीन है, 1 मरले की कीमत है 22 लाख है, तो टोटल कब्जा करने से जो मुनाफा आएगा वो 1,12,00,000 आएगा, उससे मेरा जाती बैंक बैलेंस बढ़ेगा, मेरे उससे जाती कारोबार बेहतर होगा। लिहाजा आपने उस टाइम इस तरह की टेंशन नहीं लेनी, आपने चुप करके उसके ऊपर कब्जा कर लेना, ठीक है। शाम को आपने एक बंदे को मिलना है, उसको कहना है कि जानी हम दोस्त हैं, हम इकट्ठे हैं, कल इंशाल्लाह जब असेंबली में जाएंगे तो हम दोनों भाई मिलके अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। रात को बड़ा बेहतरीन प्यार हो गया, सब कुछ हो गया, सुबह आप उठते हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि एक बंदे ने वोट किसी और तरफ दे दिया और दूसरे किसी और तरफ दे दिया। बाद में आप उसको मिलते हैं तो वो आगे से आपको एक फिक्रा सुनाता है कि वादे कौन सा कसम और कुरान होते हैं। ये फिक्रा याद है आपको, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये फिक्रा आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला था ना कि वादे कौन सा कुरान हदीस होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो पावर पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग होते हैं वो वादा करते भी इसलिए क्योंकि नफा आ रहा होता है, और वादा तोड़ते भी इसलिए क्योंकि उससे क्या आ रहा होता है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट
पूरा हो रहा होता है। तो इसीलिए आपने अपना फायदा पूरा करने के लिए एथिक्स, मोरालिटी और रिलीजन, इन चीजों को अपने सामने रुकावट नहीं। इसकी मैं और आसान मिसाल देता हूं। सीएसएस का पेपर है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का, 20 वर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स के आपने जब पढ़े, 20 के 20 आपके सर से क्या हो गए, ऊपर से गुजर गया। आपने अक्सर देखा होगा ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं, सुने भी पहली दफा होते हैं, लेकिन आपको कंफर्म है कि ये जो अगला बंदा है ना, इसके 20 के 20 क्या है। ठीक है, अब आप किस में आ गए, आप एक डायलमा में आ गए। और डायलमा क्या है कि क्या करूं, 20 नंबर जाने दूं या इसका तरला मारूं। आपने हिम्मत करके उसको हाथ लगाया कि जानी मदद कर, अल्लाह मदद करने वालों को क्या करता है। आपने हल्का सा इस्लामी टच भी दे दिया ना, है कि अल्लाह तुम्हारी माँ को लंबी उम्र दे। ठीक है, अब सोचिए कि अगला बंदा आपसे भी फनकार है, वो आगे से आपको पीछे मुंह करके पता क्या कहता है, भाई चोरी करना जो है ना ये गुनाह है। अब आप सोचें कि आप उधर उसको क्या कहेंगे। मैं तो कहता हूं गाली भी छोटा वर्ड है, आप कुर्सी जिस पर बैठे होंगे ना वो उठा लेंगे कि अबे दुनिया का सारा रिलीजन तू आज ही ले आया, भाई मेरे पेपर है, मैं मरने वाला हुआ हूं, तुझे मजहब की पड़ी है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, तो इसका मतलब है आप नहीं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि ये छोटी छोटी सिचुएशंस होती है ना जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको मॉरल बिहेव करना है या सेक्युलर बिहेव या इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी बिहेव करना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको फिर उसका पेपर छीनना भी पड़ा ना, तो आपने किसी तरीके भी उससे फिल्म डाल ही लेनी है, उसको पैसों का लालच दो कुछ भी करो। लेकिन अगर आप इखलाकी हैं तो फिर आप पूछेंगे नहीं, आप कहेंगे भाई कोई बात नहीं है, मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उतना क्या मिल गया, अजर मिल गया, अल्लाह अल्लाह और खैर सब डन होगी बात। ठीक है, तो ये है जी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स। और पावर के कितने एक्सप्रेशन पढ़ लिए, दो, एथिकल पावर और सेल्फिश पावर। अगेन दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्लेटो और एरिस्टोटल कौन सी पावर पावर के कायल हैं, एथिकल पावर पे, और मैकियावेली जैसे जो लोग हैं वो किसके कायल हैं, वो सेल्फिश सेकुलर इंटरेस्ट ऑफ पावर जो है उसके कायल है। सॉरी किसमें, जी जी ए मॉरल, जी बिल्कुल वही बात। ठीक है, डन होगी बात। एनीथिंग विच इज डिवाइड ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स इज कॉल्ड पावर पॉलिटिक्स, जिसमें आपका सेल्फिश इंटरेस्ट जो है वो आपकी प्राइमरी क्या है, कंडीशन है। डन होगी बात। और आज की क्लास का आखिरी जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बड़ा आसान सा है, इसको कहते हैं व्हाट इट इज और व्हाट इट ऑट टू बी, व्हाट इट इज एंड व्हाट इट ऑट टू बी। चीजें हैं क्या और उनको होना कैसे चाहिए, इसको समझाने के लिए जल्दी से एक 8-10 उर्दू के फिक्रे हैं वो लिखते जाइए, जो कि आप सब बोलते रहे हो, सुनते रहे हो, अभी भी बोलते हो, रोज बोलते हो। आसान से मुश्किल की तरफ जाऊंगा। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, हमें रोजे रखने चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, छोटों के साथ शफकत से पेश आना चाहिए, जब ताकत का इस्तेमाल करें तो करप्शन नहीं करनी चाहिए, जब ताकत का इस्तेमाल करें तो अपना जाती फायदा नहीं देखना चाहिए। बात समझ आए, समझ आई कहां तक बात आ गई? तो ये दुनिया कौन सी दुनिया है, ये दुनिया है चाहिए चाहिए और चाहिए, ऑट टू बी की दुनिया है, जिसमें हम इमेजिनेशन, इसको लिख लीजिए, इसको आइडियल वर्ल्ड भी कहते हैं, कि हम सोचते क्या है, हमारे दिमाग में क्या है। आइडियलिज्म की दुनिया, आइडियल की दुनिया, कि होना, चीजों को होना कैसे चाहिए। अब ये जितने फिक्रे लिखे हैं ना, इनमें दरमियान में लाइन लगा के, तो जो आपका प्रैक्टिकल है ना, रियल है, जो आप एक्चुअली में करते हो वो लिख लीजिए, वो मुझे नहीं पता आपका क्या है। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, अब आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते वो लिख दे, या थोड़ी पढ़ते जितनी भी पढ़ते हैं वो लिख ले। हमें सच बोलना चाहिए, चाहिए तो अलग हो गया ना, बोलते भी है कि नहीं बोलते, वो जितना को है परसेंटेज आगे लिख ले।
लेकिन जंप करके फौरन से आखिरी दो सवालों पर आ जाए जो क्या लिखे थे, ना ना ना, कि जब हम ताकत में पहुंचे तो हमें करप्शन नहीं करनी चाहिए। अभी किसी भी आप ब्यूरोक्रेट को पूछ लो वो यही कहेगा कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिकल देखोगे करता है या नहीं, तो आपको जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा कि चाहिए की दुनिया और होती है और इट इज की दुनिया और होती है। अगला क्या था कि जब हम ताकत का इस्तेमाल करें तो किसके फायदे के लिए इस्तेमाल करें, जाती फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हम किसके लिए, करते ही बल्कि सिर्फ किसके लिए, अपने लिए। ठीक है, तो ये दो वर्ल्ड हैं, एक वर्ल्ड ऑफ आइडियल और एक वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, आइडिया एंड आइडियल एंड रियल। तो इसको आप दो आसान लफ्जों में भी लिख सकते हो कि दुनिया का हर बंदा आइडियल कल्चर और रियल कल्चर दो चीजें रखता है। आइडियल कल्चर क्या होता है, इमेजिनेटिव, जो वो सोचता है कि चीजों को ऐसे होना चाहिए, पाकिस्तान साफ सुथरा होना चाहिए, पार्क में गंद नहीं होना चाहिए, स्कूल और हॉस्पिटल के करीब हॉर्न नहीं बजना चाहिए। अब आ जाए कि प्रैक्टिस क्या है, रियल कल्चर, व्हाट वी एक्चुअली डू, ठीक है, व्हाट वी एक्चुअली कमिट, ठीक। तो वो तो आपको पता है ना, हम तो पेट्रोल पंप पे खड़े होकर भी सिगरेट लगा लेते हैं सही, हॉस्पिटल चले जाए ना, पब्लिक हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आप सबको पता है ना कि अगर इमरजेंसी के बाहर कोई गाड़ी लेके खड़ा है तो उसने आरन पे हाथ रखा हुआ कि अंदर वाला बंदा आ क्यों नहीं रहा, सही है। इसी तरह पब्लिक पार्क में चले जाए, आप किसी के घर कूड़े का छापर फेंकेंगे ना, वो बंदूक लेके बाहर निकल आएगा, हदीसें भी सुनाएगा आपको, है सफाई निस्व ईमान है। वही बंदा जब पार्क में जाता है ना, वो अपना पहला फर्ज क्या समझता है कि जो भी मेरी जेब में है ना वो खाली करके मैंने किधर फेंकना है, पार्क में फेंकना है। तो व्हाट इट इज और व्हाट इट ऑट टू बी, होना क्या चाहिए और होता क्या है, सही है। तो इसका ताल्लुक अगेन फिलोसफी के साथ कैसे है? कुछ फिलोसफर आएंगे वो कहेंगे बंदे की जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, व्हाट इट ऑट टू बी, बंदे को इस बात पर बहस करनी चाहिए कि होना क्या चाहिए। और कुछ फिलोसफर आएंगे वो कहेंगे भाई मेरे माफ कर दो, होना क्या चाहिए तो बाद में होगा, हमें पढ़ाई किसकी करनी चाहिए, व्हाट इट इज की, कि चीजें हैं क्या, व्हाट इट इज की दुनिया और व्हाट इट ऑट टू बी की दुनिया, या आइडियल कल्चर और रियल कल्चर, रियल कल्चर व्हाट वी एक्चुअली प्रैक्टिस एंड आइडियल कल्चर व्हाट वी एक्चुअली इमेजिन एंड थॉट, यू नो, जो हम बिलीव करते रहते हैं कि अच्छा यार ये कर लेंगे वो कर लेंगे, डन होगी वहां जी, चले जी, तो डन जी, थैंक यू सो मच, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडे, ठीक है। और आई एम श्योर कि आप ये दो क्लासेस के बाद जो है कुछ ना कुछ आपको और ज्यादा समझ आ रही होगी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, और यही वर्ड जो है कल को आपकी मदद देंगे किताब पढ़ने में, लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में, और अपनी जो समझ है उसको डे बाय डे आगे बढ़ाने में, ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।